हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आपको कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वन शॉर्ट सीरीज में मैथमेटिक्स में फ्री क्रैश कोर्स के अंदर ये थर्ड लेक्चर ले रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को वन शॉट में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। पूरा थ्योरी देखना, बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, बहुत ही ईजी थ्योरी है। बच्चों को ये चैप्टर जनरली भारी लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरिटिकल होता है, बच्चे इस सवाल इस चैप्टर के सवाल से भागते हैं। लेकिन देखो, बिहार बोर्ड में इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, परेशान होने की जरूरत है। कंसेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आगे बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है। तो कंसेप्ट के नजरिए से भी कवर करेंगे, ओके, टू द पॉइंट चलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और आप मेरे इस लेक्चर को पूरा देख लोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो बिहार बोर्ड में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आता है, इसका मिनिमम आता है 5 से 6 ऑब्जेक्टिव, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, ठीक है। तो वो 7-8 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बट मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा इसमें क्या क्या कवर करने वाले। देखो, आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का वन शॉट पढ़ा रखा है, और आप लोग कोई नहीं देखे हो तो जाके देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले, पहले देखो, हम लोग अभी चला रहे हैं आप लोग के लिए फ्री क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स 2025 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या आप लोगों को दे रहा है, कंप्लीट थ्योरी दे रहा है, कंप्लीट थ्योरी कवरेज मिल रहा है आप लोगों को। इसमें क्या होगा, इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएगा, कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट मिलेगा कंसेप्ट के साथ। जितने भी एनसीईआरटी में एमसीक्यूज हैं ये पूरे करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में करीब करीब 120 एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बिहार बोर्ड में आपको पता है कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 100 बनाना है आपको। तो ऑब्जेक्टिव अगर एनसीईआरटी का करके जाते हो तो डिट्टो एंड बिहार बोर्ड बहुत ही आसान एग्जाम लेता है, आपको पता है। तो उसमें से एनसीईआरटी का डिट्टो ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो अगर वो आप ऑब्जेक्टिव 122 बना लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छा समझ लेते हो, तो आपको उसमें से 20-30-35 तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आया था। इवन बिहार बोर्ड तो उसका डेटा भी चेंज नहीं करता है, वैल्यू भी चेंज नहीं करता है। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी में है, वो बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आया था, शॉर्ट में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करना जरूरी है। उसके अलावा थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको दे रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, जितने भी बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एमसीक्यू, उस पर बेस उस वो क्वेश्चन भी करेंगे कंप्लीट, और उस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे कंप्लीट करेंगे, ओके। और उसके अलावा आपको इस लेक्चर का, जैसे ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट पूरा, ओके, तो इसका आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़े हुए रिवीजन कर लेना। और उसके अलावा हाँ, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे आगे जो प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसका आप पहले वीडियो पॉज कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व बनाना, सॉल्व करना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है, तभी मैथमेटिक्स सीख पाओगे, नहीं तो मैथमेटिक्स ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो मैथमेटिक्स का तरीका है कि थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी हमने आपको पढ़ा दिया, और उसके अलावा उसके बाद क्या करो, कॉपी लेकर बैठो, क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का आएगा, तो आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, नहीं बनेगा फिर आगे देखना वीडियो, ओके, ये तरीका। तो ये पूरे लेक्चर का आपको जो वीडियो ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा इस चैप्टर के लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा आपको, मतलब कि इस जो थ्योरी हम मैं पढ़ा दूंगा आपको, इस थ्योरी के आधार पे आपको टेस्ट क्वेश्चन पेपर देंगे। लेकिन रिलेशन फंक्शन का चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो इसके साथ एक और चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, तो उनके साथ कंबाइन करके मैं आपको इसका एमसीक्यू और उसका एमसीक्यू और उसका सब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का समय दे दूंगा एक साथ, ठीक है। तो चैप्टर जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का हमने एक साथ दे दिया, तीसरा और चौथा चैप्टर का एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, ओल्ड एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं एक साथ कंबाइन करके आपको दे दूंगा इसमें पीडीएफ में, ओके, फाइल में आप डाउनलोड कर लेना, दोनों मिलेगा आपको, इस लेक्चर का नोट्स पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा आपको, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे किस आता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छा से कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ उसमें से क्वेश्चन आएगा, उसमें बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके, चैप्टर वाइज हो रहा है, ओके, चलिए। तो इतने सारे फीचर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज लगे कम आ रही है तो हेडफोन या एयरफोन या ईयरबड्स कान में लगा लेना, आप बैठ के स्टडी करना, ओके, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, ओके, आ जाओ। तो क्या है सर, देखिए 12th मैथमेटिक्स वन शॉट रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 ओल्ड एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, 4 एक्सरसाइज है इसमें, इस चारों एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, पढ़ लेते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप के सवाल है 1.1 एक्सरसाइज में, ओके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, तीनों को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसमें सवाल आते हैं। एक पढ़ेंगे उसका 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें कंपोजिट फंक्शन जैसे फॉग गॉफ हॉग गॉ फॉफ सब पढ़ने वाले, उसका इनवर्स फंक्शन सबसे एक एक ऑब्जेक्टिव रहता है एग्जाम में, उसका बाइनरी ऑपरेशन, ओके, एक्सरसाइज 1.4 में दिख नहीं रहा आपको, ये नोट्स में आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मिटा हुआ, तो मैं सोचा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आप दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए। तो बाइनरी ऑपरेशन जो एक्सरसाइज 1.4 में, ये भी हम लोग करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। तो चारों देखो, एक एक एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, इनवर्स में भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, यानी 5 ऑब्जेक्टिव मिनिमम आ जाता है, ओके, इससे ज्यादा भी रह सकता है, तो बहुत ही आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके ओके, चलो एकदम अच्छा परेशान किया हुआ है, ओके, आ जाओ। चलिए, तो आज का सुविचार पहले स्टार्ट करते हैं, ओके, आज का सुविचार क्या है, इफ यू फोकस यू कैन लर्न, इफ यू फोकस यू कैन लर्न, विदाउट फोकसिंग यू कांट लर्न, ओके, इफ यू लर्न यू कैन ग्रो, विदाउट लर्निंग यू कांट ग्रो, इफ यू ग्रो यू कैन एंजॉय, विदाउट ग्रो यू कैन नॉट एंजॉय, दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स, ओके, मेरे दिल के बहुत पास है, उसने मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर से बात को समझते हैं,
जैसे 1 2 है तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना रिंग्स बनेगा, तो ए में अगर 1 2 एलिमेंट है तो ए स्क्वायर ए क्रॉस ए में होगा 2 × 2 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 4 16 वो सबसे बनेगा। ये एग्जांपल पूछा हुआ है, फेवर पूछा हुआ है, ठीक है देखिए। तो आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, अगर आर एक रिलेशन है सेट ए में तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, जितना भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा उसको रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। सबसे छोटा का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सबसे बड़ा सेट खुद होता है क्रॉस ए, ओके। तो सबसे छोटा सेट एम्प्टी रिलेशन, सबसे सबसेट और सबसे बड़ा सबसेट ए क्रॉस ए, खुद ए क्रॉस ए, ओके। उसको ये पूरा ये खुद ये 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर उसके बाद 2 1 2 2 लिख दिया, पूरा पूरा हुआ। इसको सबसे छोटा रिलेशन बोलते हैं इंपिटी रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं ट्रिविअल रिलेशन, मतलब फाई को आई क्रॉस ए को बोलते हैं ट्रिविअल रिलेशन, ओके। टोटल रिलेशन के अंदर कितना बनेगा, अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पर इसमें दो एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा उसका ए क्रॉस ए में एलिमेंट, तो 2 का 4 16 16, ऐसा रिलेशन बनेगा। 16 रिलेशन में से इस एग्जांपल के तहत 16 रिलेशन में से दो, एक तो सबसे छोटा फाई होगा, एक सबसे बड़ा खुद होगा ये ए क्रॉस ए, ओके। तो उन दोनों को मिलाकर दोनों को बोलेंगे ट्रिविअल रिलेशन, सबसे छोटा वाला को फाई इंपिटी रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलेंगे ट्रिविअल रिलेशन। बाकी जो 14 बचा, दो को छोड़ करके 14 जो बचा, 14 बोलते हैं नॉन ट्रिविअल रिलेशन, लिखा हुआ नॉन ट्रिविअल रिलेशन। यहाँ से बहुत ही आसान है, यही से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही से सवाल आता है, ये एनसीटी का 1.1 का थ्योरी है, 1.1 का टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आपको 3 टाइप का रिलेशन बनना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही से सवाल आता है, इसको अच्छा से समझो क्योंकि ये 1.1 एनसीटी का 1.1 एक्सरसाइज थ्योरी है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बहुत ही आसान है, ध्यान देना अच्छा से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। सर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट दिया रहेगा आपको, मैं इस चैप्टर में आपको पहले बोल दिया कि आपको सेट भी दिया रहेगा, चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई एक सेट दिया रहेगा और आपको रिलेशन भी बनाकर देगा। वो रिलेशन भी दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, रिलेशन भी दिया रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, बस आपको चेक करना है वो किस टाइप का रिलेशन है, बस ये सवाल बना आपको, ओके। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम एलिमेंट, जैसे कि अगर सेट ए में एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, एग्जांपल ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ओके। जैसे सेट ए है 1 2 एलिमेंट है, ये सेट दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है, मैंने इसमें मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके इसी में। तो मान लो कि रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2, ओके। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, कहीं बच्चों को रिफ्लेक्सिव सेमी को दिक्कत होता, ट्रांजिटिव दिक्कत होता, वो भी क्लियर कर देंगे, ओके। तो अगर सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, वन अगर सेट ए के अंदर 1 2 है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन के अंदर, 2 2 होना चाहिए, सेम सेम 1 1 2 2, यानी सेम सेम का जोड़ी बनाना, कपल बनाना, पेयर बनाना, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। अगर ए में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव सेम सेम, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ए ए, बी बी, सी सी, इस तरह करके। तो अगर कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, वाई कोऑर्डिनेट भी वही है, तो और सारे मौजूद है ए के लिए, सब ए के सारे एलिमेंट को पकड़ो, जैसे ए में भी 1 2 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम, मैं डेफिनेशन देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम का ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल ए बिलोंग टू एम, यानी कि ए जो भी सेट दिया रहेगा, सेट के हर एक एलिमेंट का सेम सेम एलिमेंट का जोड़ी बनना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए उसके अंदर, कोई बचना नहीं चाहिए, ओके। जैसे ए में अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं 1 1 2 2 लेकिन 3 3 ना हो, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, फॉर ऑल लिखा हुआ है सभी के लिए, ओके। अगर सेट ए में 1 2 है तो 1 1 2 2, अगर सेट ए में 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा, सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा, अगर ए भी है यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 3 है तो 3 4 भी होना चाहिए, मतलब उल्टा फुल्टा, उल्टा फुल्टा, मतलब एक्स वाई तो वाई एक्स, ए भी तो बी है, वही लिखा हुआ, ए भी तो बी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए दो ढूंढना पड़ेगा, दो ए भी है, जैसे कि ए भी है, बी सी है, मतलब एक्स वाई है, वाई जेड है, मतलब कि पहला वाले का वाई कोऑर्डिनेट अगला वाले का एक्स कोऑर्डिनेट से होना चाहिए, ये कंडीशन हो, पहला वाले का वाई कोऑर्डिनेट अगला वाले का एक्स कोऑर्डिनेट से होना चाहिए, तो ए बी बी सी, जहां से ये खत्म हुआ उतना से वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी बी सी, तो ये दोनों अगर तुमने ढूंढ लिया, दो ढूंढ लिया तो अगर, ओके, तो तीसरा ढूंढोगे ए और सी, ए सी, ए सी और मिल गया तो ट्रांजिटिव है, ओके। इंपॉर्टेंट सुनो, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, बच्चे ये समझते नहीं, डेफिनेशन में ही सारी बात है, ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन है कि दो ऑर्डर पेयर, यानी दो पॉइंट मिलना चाहिए, एक्स वाई वाई जेड, ऐसा हो दो पॉइंट कि जिसका पहला का वाई कोऑर्डिनेट अगला के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो, एक का वाई कोऑर्डिनेट एक का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो, तो पहला का एक्स कोऑर्डिनेट लास्ट दूसरा वाले का जिस कोऑर्डिनेट मिला करके बचेगा, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट वो बचेगा, तो अगर मिल गया हो उसके अंदर तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो दो कोऑर्डिनेट, पहली बात तो दो पॉइंट आपको मिलना चाहिए, दो पॉइंट में वो जो कंडीशन है कि दोनों का एक्स एक का एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, तब जाकर उसको मैच करेंगे, बचा हुआ चीज अगर मिल गया तो कहेंगे ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है सवाल में, एक ही पॉइंट दिया रहता है या एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको मिल भी नहीं करेगा, मान लो कि जैसे ये ए भी है आपको बी नहीं मिला, वहां पर सीधी लिखा रहेगा, ओके, तो वहां दूसरा पॉइंट मिलवा नहीं, मिल भी नहीं किया, अच्छा दूसरा पॉइंट यानी कि एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक तब करना जब दो पॉइंट हुआ उसमें इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो, तब तीसरा को ढूंढेंगे, बट यहाँ पर एक क्यों ऐसा तुमको मिले, आगे मिले ही नहीं, तो उसको कहोगे ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है बोल देना, उसको सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा सर दूसरा मिल नहीं क्या, नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए कंडीशन है कि आपका दो मिलना चाहिए, इस तरह आप बीबी को खत्म करो, एसी मिल जाए, तब चेक करना कि एसी है कि नहीं, एसी है तो ट्रांजिटिव है, एसी नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं, दो पॉइंट हमको मिला ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा, जब चेक नहीं करना है तो एनसीईआरटी बोलती है, थ्योरी बोलती है कि वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मिला तो, ये कंसेप्ट है, आप समझाता हूं कैसे, सवाल पे आते हैं देखो, तो ये 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव है, देखो रिफ्लेक्सिव है, फिर देखो मैंने लिखा R1 इज रिफ्लेक्सिव, अभी देखो, अब इसको दो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव, अब देखो
वन वन का उल्टा, अब सेम सेम वाले में क्या दिक्कत है कि अगर आप सिमेट्रिक के लिए देख रहे हो तो सिमेट्रिक के लिए उल्टा फिट करना पड़ेगा, वन वन टू है तो टू वन होना चाहिए सिमेट्रिक, लेकिन वन वन का उल्टा तो वन वन ही होता है। तो सेम सेम वाले एलिमेंट का ऑर्डर पे लोगे जो के साथ सेम सेम के साथ, तो उसमें तुमको रिफ्लेक्सिव साइड से सिमेट्रिक साइड से कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कि वन वन का उल्टा वन वन ही होता है, टू टू का उल्टा टू टू ही होता है। ओके, वन टू होता तो टू वन करते हैं, तब तब चेक करते हैं वन टू है तो टू वन है कि नहीं है, सिमेट्रिक होने के लिए। ठीक है, लेकिन सेम सेम वाले में आपको सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव सेम सेम है तो रिफ्लेक्सिव है। अब उसका उल्टा करोगे यानी कि एक्स वाई बाई एक्स यानी कि सिमेट्रिक के लिए, तो वो तो उल्टा वही हो जाएगा ना, खुद ही ना हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो वैसे इक्वल कोऑर्डिनेट के लिए, इक्वल कोऑर्डिनेट के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक में। ओके, वो सिमेट्रिक हो गया क्या उल्टा है तो उसको चेक ही नहीं करना, समझो कि वो सिमेट्रिक ऑलरेडी है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए सर क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा दो पॉइंट ढूंढो जिसके अंदर पहला का वाई कोऑर्डिनेट अगला के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ऐसा तो यहां दो पॉइंट है उसमें इसका पहला का एक्स कोऑर्डिनेट दूसरा के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है, सॉरी पहला का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है। जब पहला का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है ही नहीं तो दो ही नहीं मिला, जब दो मिलता तब तीसरा को चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें दूं, वन टू और टू थ्री ऐसे करके देते हैं, ये हो गया ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ये सेम हो गया, तो वन थ्री चेक करते हैं, तब चेक करने पर अगर वन थ्री मिलता तो कहते हैं ट्रांजिटिव, नहीं मिलता तो कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन यहां पर तो ऐसा है कि यहां पर एक का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही नहीं है, तो तुमको चेक करने की यहां पर नौबत ही नहीं आएगी। ओके, चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने बोला चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, यही बात बच्चे को समझ में आता है। ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी फंक्शन का रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो गौर से सुन रहा है। ओके, तो बच्चों ये समझ नहीं आता है, जैसे ये वन टू टू वन है, चलो वन टू टू वन है, तो पहली बात तो आर टू जो ये एक रिलेशन आर टू मैंने एग्जांपल दिया इसी सेट पे, इसी एग्जांपल मैंने लिया। ओके, तो पहली बात वन वन नहीं है, टू टू नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, आर टू इज नॉट रिफ्लेक्स, मैंने पहले बोल दिया। वन टू का उल्टा टू वन होता है यानी ये सिमेट्रिक है, वन टू का उल्टा टू वन, वन टू है तो टू वन होगा। ओके, है ये सिमेट्रिक है, वन टू का उल्टा टू वन है, टू वन का उल्टा वन टू है, सब पे चेक करना, वन टू का उल्टा टू वन है, हाँ है, टू वन का उल्टा वन टू है, हाँ है, तो क्या एक्स वाई वाई एक्स, ओके सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव सर क्या बोले कि एक को ऐसा पकड़ो कि एक का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो गया, ये बराबर हो गया तो वन वन इसके अंदर, इसको खत्म करो, जो बराबर हो गया उसको हटाओ, दो टू मिल गया, अब चेक करो वन वन, वन वन इसके अंदर है, चेक करो वन वन है, वन वन है ही नहीं, है ही नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है, खत्म, ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं होने के लिए एक वजह काफी है, रिलेशन एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन नहीं होने के लिए एक ही वजह काफी है, होने के लिए सबको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ट्रांजिटिव और चेक करना एक और तरीके से, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट वन है, ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट वन है, वन वन हटाओ तो टू टू मौजूद है, टू टू नहीं इसके अंदर ऑब्वियसली। तो ये सिर्फ सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब चलो तीसरा, इसी में ले लेते तीसरा। ओके, तीसरा इसमें वन टू थ्री दे दिया, ठीक है, वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसा करते ना, ये तुमको एग्जांपल जो है वन टू थ्री ले लिया, तो यहाँ पे थ्री दिखाता हूँ, तो मिक्स हो जाएगा फिर तुमको सर आप यहाँ तीन तो दे दिया, तीन दे नहीं यहाँ पर इस एग्जांपल में इसको ऐसे दो, ये इसको ऐसे दो, थोड़ा सा वहाँ पे मुझे सेट चेंज करना पड़ेगा, ये अलग एग्जांपल है, हो गया। चलिए नाम इसका वन ही दे दो, क्या दिक्कत है, वन ही दे दो, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये टू है, ये टू है, चलो एक वन टू थ्री मैंने दे दिया, ठीक है, चलो यहाँ पर सेट मैंने वन टू थ्री, ये अलग एग्जांपल था, ये अलग एग्जांपल आप वन टू थ्री, अब आर वन मैंने दे दिया तुमको, मैं बोला ना कि तुमको क्वेश्चन में सेट भी दिया रहेगा, रिलेशन भी दिया रहेगा, तो वन टू टू थ्री वन थ्री बहुत आसान है। तो आप देखो पहले बताओ वन वन इसके अंदर है, नो सर, वन वन है ही नहीं, टू टू है ही नहीं, थ्री थ्री है नहीं, तो हमको तो एक ही फिल एक ही पर अगर नहीं मिला तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्स नहीं है, वन वन है ही नहीं, रिफ्लेक्स नहीं है। उसके बाद चलो अब वन टू है, वन टू का उल्टा करो, टू वन, टू वन इसके अंदर दिखाई नहीं, दिखाई सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव के लिए करोगे देखो दो पॉइंट को पकड़ो, ऐसा दो पॉइंट, ऐसा दो पॉइंट पकड़ो जिसमें एक में वाई कोऑर्डिनेट है दूसरा में एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो, ठीक है, देखो ये वाई कोऑर्डिनेट टू है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये दो, ये दो हटाओ, इधर हटाओ, बचा वन थ्री, वन थ्री अंदर बोलते हाँ है, तो खुश नहीं हो जाना इतने पे, इतने पे खुश नहीं हो जाना, घरवा जाएगा, और भी चेक करो ऐसा मिल रहा तो एक का दो, ये दो टू चेक कर लिया तुमने, ओके चलो अब चलो अब इन दोनों को चेक कर लो, अब इसको इसके साथ देख लो, इसके साथ मैं मैच नहीं करेगा, क्या वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इसके साथ, इसका वाई कोऑर्डिनेट और किसी का तीन है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं है, हटाओ खत्म करो, नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, फिर उसका देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट तीन है, एक्स कोऑर्डिनेट तीन है, नहीं है, हो गया सब चेक कर लिया, यानी कि आप टेंशन ही नहीं है, जब मिल भी नहीं करेगा तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं, एक तो एक मिला उसमें भी चेक हो गया, अब जब मिल भी नहीं करता तो ट्रांजिटिव ऑलरेडी है, मैंने बोला कि जब नहीं मिलता तो दो नहीं मिलता तो फिर बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दो मिला स्टार्टिंग में मिल गया, बाकी आगे भी चेक करना पड़ेगा, नहीं होने के लिए एक वजह काफी, होने के लिए सब चेक करना पड़ेगा। ओके, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, आर वन इज ट्रांजिटिव। ओके ओके गाइस, उसके बाद आर टू के बारे में बात करते हैं, चलो यहाँ पे वन वन भी है, वन टू टू वन टू टू है, चलो आर टू, ये वन वन है, टू टू नहीं है, टू टू नहीं है, नहीं है, रिफ्लेक्स नहीं है, बोला ना कि एक है लेकिन दो दो नहीं है, तीन ए में जो एलिमेंट उसका सबसे मिलना चाहिए जोड़े, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्स नहीं है, सिमेट्रिक के लिए वन सेम वाला चेक नहीं करना, वन टू वाला टू वन है, ओके टू टू का टेंशन नहीं है, मैंने सेम वाले बोला ना कि रिफ्लेक्स में कोई सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होता सेम वाले की तरफ से, तो वन टू का टू वन है, ओ सर आपको दूसरा है नहीं एक्स्ट्रा उल्टा फल्टा, लेकिन वन वन का वन वन ही होता है, टू टू का टू ही होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्स नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव ले चेक करो, मेन है ट्रांजिटिव, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जो बनाया क्वेश्चन उसका करता हूं, आप समझ में आएगा, लो हो गया, चलो वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, यानी कि अब रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ले देखो, वन टू का उल्टा टू वन है, सर सिमेट्रिक भी है, कि वन वन टू टू थ्री थ्री से कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक को ट्रांजिटिव ले चेक करो, मेन ट्रांजिटिव, देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ले लो, वाई कोऑर्डिनेट
वन है, एक्सक्लूडेड वन है, ठीक है गाइस। तो वन वन सेम हो गया, तो वन टू, ये वन टू खुद है, फिर ये वाला वो चेक हो गया। अब इसी का और किसी का देखो जिसका एक्सक्लूडेड वन है, एक्सक्लूडेड किसका वन है, नहीं नहीं हटाओ इसका खत्म करो, आप चले देखते हैं, वाई कनेक्ट टू है, एक्स टू है, चलो ठीक है, चलो टू खत्म करो, टू खत्म करो, खत्म करो, वन वन बचा, वन वन बचा, वन वन ऑलरेडी है, ये हो गया। अब किसी का और चेक करो कि किसी और का एक्स टू है, तो इसको इसके साथ ले लो, तो वन टू, वन टू खुद है, चलो और किसी का नहीं है, हो गया खत्म। अब इस पे आते हैं, किसी का एक्स वन है, ये वाई वन है, तो एक्स वन किसका है सर, बचेगा टू वन, टू वन टू वन, टू वन खुद है, चलो हटाओ, फिर और है नहीं, चलो आगे, चलो टू पे चेक करो, इसका वाई कनेक्ट टू है, ओके, और एक्स नॉट यहाँ पे टू है, ये टू टू खत्म करो, टू वन ये खुद है, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब पे चेक करना पड़ेगा, नहीं होने के लिए एक वजह काफी है, होने के लिए सब पे लगाना पड़ेगा। थ्री के लिए चेक करो, थ्री 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 में कोई मिल नहीं, एक्स नॉट है नहीं, इसका लोग ट्रांजिटिव है, जो भी एक मिला था सब 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 चेक कर लिया, और थ्री थ्री के लिए तो कोई मिल नहीं रहा है, ओके, नहीं मिला था बाई डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, सब पे चेक करना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो इस बोलेंगे आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस तभी बोलते हैं जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और आपको ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो आई थिंक इस एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझ में आ गया होगा, वही सब एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, चलो। तो देखो ये जो है आपको वन 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 टू टू वन वन टू टू वन, ये जो वन में लिखा हुआ है, ये इक्वल एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन है, सबसे बड़ा रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन होता है इंपीरियल रिलेशन, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना, ओके। तो आर टू जो है वो एक क्रॉस ए है, तो वो इक्वलेंस रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सबसे बड़ा रिलेशन जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा है हमने, वो सबसे बड़ा रिलेशन हमेशा इक्वलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, यही है। तो चूंकि ये जो आर टू है आपका, आर वन यहाँ देखो वन 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 टू टू टू, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, और वन टू का टोटल वन से बटेगा, और ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए मैं वही एग्जांपल दिया हमने, चलो। द रिलेशन लेस देन, कई बार एग्जांपल पूछा, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन बोलेगा तो ए लेस देन बी, ओके, लेस देन और इक्वल टू बोलेगा तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेस देन क्या होता है, कई बार एग्जांपल पूछा हुआ है, सिर्फ ट्रांजिटिव होता है, कैसे होता है, देखो लेस देन बोल रहा था अपने मन में पहले कुछ नंबर एग्जांपल, इस तरह सवाल बनाने का तरीका है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, लेस देन बोल दिया ना, क्या करो, तुम कोई नंबर चुन लो, कोई भी नंबर, ठीक है, चलो जैसे जैसे कोई नंबर ले लो, जैसे बताओ चार, रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, चार ले तो चार चार ले लोगे, पांच लो तो पांच पांच ले लोगे, सर कहीं ले रहे पांच क्यों, कुछ बोला रियल नंबर, नेचुरल नंबर बोला तो कहानी वैसे रहेगा, ठीक है, तो चार चार ले लो, अब पढ़ो उसको, चार चार, अब बोला चार चार से छोटा है, चार चार से छोटा है, चार चार से छोटा है, ओके, ये गलत बात है, कोई नंबर खुद से छोटा नहीं होता, कोई नंबर खुद के बराबर हो सकता है, ओके, छोटा नहीं होता, तो गलत बात है, ये फॉल्स है, गलत बात आया, पांच पांच से छोटा है, छह छह से छोटा, क्योंकि लेसन बोल रहा है, लेसन लेना, जो बोल रहा है उसमें भाई लेना, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, तो लेसन वाला फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं सकता, लेकिन ये क्वेश्चन है, यही पर बात समझ लो, बात नहीं बोलना सर क्या बोल रहा है, मत बोलना किसा बाद में क्या बोल रहा है, अगर बोलता है उसमें लेस देन और इक्वल टू, बोलता है लेस देन और इक्वल टू, ऐसा ऐसा लिखा था, लेस देन और इक्वल टू, तो चार चार लेते हैं, चार चार लेते हैं, पढ़ते कैसे था, चार चार से छोटा या बराबर है, चार चार से छोटा या बराबर है, छोटा तो नहीं बराबर तो है ना, कोई नंबर खुद के बराबर तो होता है ना, अधूरी बात तो एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता है, कोई एक ही बात लागू होगा, चार चार के बराबर तो है ना, बात ट्रू है, ट्रू है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ओके, सब पे लागू हो जाएगा, पांच पांच छह छह सात सात, कोई भी नंबर उठा लो तो, ठीक है, तो अगर लेस देन और इक्वल टू है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और लेस देन केवल है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा लो, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला लेस देन, लेस देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव है, ओके, ये बस समझा दिया, फिर ये बात होता है ग्रेटर देन, चार चार से बड़ा नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, फिर चार ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता तो चार चार के बराबर तो है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता, ये इंपॉर्टेंट बात है, अब चलो अब लेस देन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब चलते सिमेट्रिक के लिए, अगर मान लो चार छह से छोटा है, एक लेंगे एक लेंगे एक लेंगे एक लेंगे, चार अगर छह से छोटा है, सॉरी गाइस, चार छह से छोटा है, ओके, तो छह चार से छोटा होगा क्या, नो, कभी नहीं, गलत बात है, चार छह से छोटा ही बात सही है, ओके, एक लेना पड़ेगा सही है, दूसरा ढूंढना है, उल्टा करके एक्स वाई तो वाई एक्स, तो चार छह से छोटा है तो छह भी चार से छोटा अगर होता तब बोलते हैं ये सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ छोटा होता है, छह से चार से बड़ा होता है, तो ये लेस देन वाला सिंबल जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इक्वल टू भी तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्वल टू भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके, चलो अब चलते हैं ट्रांजिटिव की देखते हैं, ट्रांजिटिव चलो, वन टू से छोटा है, एक ही लिया, फिर टू थ्री से छोटा है, तो ऑब्वियसली वन थ्री से छोटा होगा, गारंटी है कि वन थ्री से छोटा होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, न सिमेट्रिक है ये, न रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, अब इसको मैं बोल रहा हूँ इस तरह बनाने की जरूरत है, इसको देखना चाहता हूँ तो समझ मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल चेक कर लेना, ठीक है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है, सब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, तो देखो लेस देन रहेगा तो केवल ट्रांजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा तो ओनली ट्रांजिटिव होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, अभी क्वेश्चन सुनो, ये इस तरह भी दे देता है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, आप सोचो एक्स वाई की पत्नी है, अब हमको रिफ्लेक्सिव करना सेम सेम करेंगे, एक्स 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 की पत्नी है, नो, कोई भी इंसान खुद की कैसे पत्नी होगी, कोई भी इंसान अगर औरत है तो औरत खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी, या मर्द मर्द खुद की पत्नी कैसे हो, पत्नी ही बोलना, जो बोला वही लेना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कैसे होगी, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, एक्स वाई की पत्नी है अगर, तो अगर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स कोई नंबर है जो वाई की पत्नी, तो वाई तो हस्बैंड ना हुआ, वाई एक्स पत्नी कैसे हो जाएगा, तो अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी होती तब ना सिमेट्रिक बोलते हैं, बट यहाँ पर एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी तो नहीं, हस्बैंड है वो, यहाँ पत्नी होनी चाहिए, तो यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ट्रांजिटिव लिखो, अगर एक्स ध्यान देना, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई जेड की पत्नी होनी चाहिए, अब तुम पता है कि एक्स वाई की पत्नी, तो वाई तो हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड किसी का पत्नी कैसे हो जाएगा, तो तुमको दो टू तो मिल ही नहीं रहा है, एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड मिलेगा तो ना जाकर तुम जेड एक्स ढूंढोगे, तो तुमको एक्स वाई वाई जेड, तो वाई खत्म करो, एक्स जेड ढूंढते, एक्स जेड, तो यहाँ पर तुमको एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, पहला वाला मान लिया सही है,
अब वाई जेड की पत्नी है, तो वाई तो हस्बैंड है किसी की, किसी का, तो वाई किसी की पत्नी कैसे हो जाएगी? तुमको दो मिल ही नहीं पा रहा है। तो मैंने बोला जब भी दो नहीं मिल पाए तो उसको वाई डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोलना, ट्रांजिटिव कब बोलोगे ढूंढोगे, जब दूसरा मिल जाता था। यहाँ पर दो मिल ही नहीं रहा ना, तो ये लिखा हुआ एक्स वही बन गया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये लॉजिक से बना बना सकते हो, आर इज जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ओनली ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे वो समझा दिया। ओके चलो वही बात, सिस्टर वाला एक्स वाई की सिस्टर है भाई, समझाना, और ट्रांजिटिव है बता दिया। उसके बाद इक्वेशन सब बहुत इजी सब है, ये दो नंबर को दो इंटीजर को घटाओ तो इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर को कैसे घटाओ, चार चार घटाओ जीरो होगा, पांच पांच जीरो होगा, तो जीरो भी इंटीजर है, तो सेम सेम नंबर को घटाने पे भी जो इंटीजर आएगा तो वो रिफ्लेक्स भी होगा, सिमेट्रिक होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक वाई डिविजिबल बाय एक्स, ये देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन देख लेना, प्रैक्टिस करना। ओके चलिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा, जो मैंने लॉजिकल बात बताया यहाँ से स्टार्ट करके समझ लेना, ठीक है। सेम सेम रहेगा तो रिफ्लेक्सिव और उल्टा फिल्टर रहेगा तो ट्रांजिटिव, ए सिमेट्रिक और दो टू मिल गया तीसरा ढूंढोगे एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स ढूंढोगे और मिल गया तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो नहीं मिला एक ही मिला तो ट्रांजिटिव तो बाई डिफॉल्ट है, ऐसे आना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो मैंने रिलेशन का कहानी आपका खत्म कर दिया। ओके ओके गाइस, ओके अब चलो अब रिलेशन पे फंक्शन पे चलते हैं, तो अब फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन समझो क्या है, फंक्शन क्या है समझो, ये फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है, मैंने एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसको फंक्शन कहेंगे। आपको उनको फंक्शन देते हैं, बहुत बहुत डायग्राम समझो, जैसे मैंने तुमको बताया था, ध्यान दो, एरो डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए, मैंने एक एग्जांपल लिया, ए से वो ए का ए और बी है एक सेट जिसका अंदर एबीसी है, ये 1 2 3 4 है, ओके। सेट ए में एबीसी है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए का रिलेशन 1 से बी है और बी का रिलेशन भी 1 से है और सी का रिलेशन 2 से है, ओके। इस तरह करके देखो, तो मैं तुमको बताता हूँ, देखो इसको बोलते हैं याद है ना डोमेन, इसको बोलते रेंज, ओके। इसको इनपुट बोल सकते हो, इसको आउटपुट बोल सकते हो। अगर इधर के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, ध्यान, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट है, अगर इधर के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, एक एरो हर एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, ओके, उसको बोलेंगे वो फंक्शन है, ओके। लेकिन अगर दो, जैसे मान, ध्यान दो, मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ए एक ए से दो दो एलिमेंट, दो दो एरो निकल रहा है, एक एरो वन के लिए भी, टू के लिए भी, ओके ओके गाइस क्या हो गया ये, ओके हाँ, ए से वन भी, ए से ए का संबंध वन से भी टू से भी है, मतलब एक ही एलिमेंट से दो दो एरो निकल रहा है, अगर दो एरो निकल रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। अब वो पहला कंडीशन तो ये है कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, दूसरा कि हर एक एलिमेंट का निकलना, कोई बचा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे इसमें देखोगे, ये वाला एग्जांपल में, यहाँ देखो एक सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ, बचना नहीं चाहिए, ओके। इसको ऐसे तुम समझ सकते हो कि इधर इधर ना ये जो है इधर, ओके, उसका ब्याह करवाना है इधर का, ओके, सेट एक एलिमेंट का ब्याह करवाना है, ठीक है। ये जो मान लो कि ए ए ए है, ए जो है वो एक मान लो कि गाँव है, अभी एक दूसरा गाँव है, ठीक है, उसका ब्याह करवाना है, तो इस गांव के, गांव ए के सारे आदमियों का, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, उसका शादी करवाना है, कम कंडीशन है, शादी होना ही होना उनका, और बी के सारे आदमी का शादी होना कोई जरूरी नहीं है, शादी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बिना शादी के रह सकता है, ये मतलब ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट का शादी होना जरूरी है, तो यहाँ ए के सारे एलिमेंट का शादी हुआ है, यहाँ पर भी सारे ए के सारे एलिमेंट का शादी हुआ है, शादी मतलब वहाँ से एरो निकल रहा है, एरो निकल रहा है, शादी हुआ है, यहाँ भी शादी हुआ है, बट यहाँ पर दो शादी, सी बेचारा बेचारा मिल रहे हैं। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि एक के सारे एलिमेंट का, पहले वाला जो डोमेन है, डोमेन का सारे एलिमेंट का शादी होना चाहिए, सबका एक एक शादी होना चाहिए, देखो यार, देखो एक एक शादी, एक एरो यानी एक शादी, ये सबका शादी हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, और यहाँ सबका शादी नहीं हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है, भेजा गया ये फंक्शन नहीं है, पहली बात, क्योंकि सी बच गया, पहले बात, दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि एक ही शादी होना चाहिए, एक एरो दो, इसका भी एक शादी, इसका भी एक शादी, इसका भी एक शादी, हाँ अलग बात है कि इन दोनों का एक ही, उधर के एक ही आदमी से शादी है, वो अलग चीज है, वो चलेगा, वो देखिए इधर के बंदों पर, यानी इस गांव के बी गांव जो है, बी गांव, इस भोलाराम गांव बोल सकते हो, ठीक है, जो भी बोल दो, तो ये जो भोलाराम गांव है या बलुहा, मान लो बलुहा है कोई गांव है, तो इस गांव के एक एलिमेंट मैंने हर एक मेंबर का शादी होना कोई जरूरी नहीं, पहला बात, वो कोई बचा भी रह सकता है, शादी भी कर सकता है, कोई शादी एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है, इसकी आजादी है, लेकिन इनके साथ आजादी नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फंक्शन, क्योंकि ये देखो ना, पहले तो सब एलिमेंट्स का शादी हो गया, सबका शादी हो गया, और एक एक शादी हुआ हुआ है, एक एक, तो ये फंक्शन है, ओके, सबका शादी है, एक एक शादी है, तो फंक्शन है, यहाँ पे सबका शादी तो है, लेकिन एक ही एलिमेंट का, यहाँ पे एक एक ही एलिमेंट का दो दो शादी है, जो कि मुमकिन नहीं है, मैंने बोला फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का एक ही शादी होना चाहिए, एक है, उधर वाले का एक से ज्यादा हो सकता है, चलेगा, ओके, एक ये फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। अब उसमें भी ध्यान दो, अगर फंक्शन में भी फंक्शन, दोनों फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए, अभी याद रखना, तुम अगर याद रखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, कि ए वन बी वन, यानी कि ए वन बी वन, दो यहाँ पे ए वन बी वन, ये फंक्शन क्यों, यहाँ देखो ए वन ए टू, देखो यहाँ पे ए वन ए टू, दो पॉइंट बना, ए वन ए टू, ओके, ए वन ए टू, मैंने आर थ्री लिखा, आर थ्री, देखो यहाँ पे आर थ्री लिखा, ए वन ए टू, बी थ्री सी फोर लिख दिया, यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यहाँ देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो अगर कोई भी दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, दो कोई भी दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट किस पे सेम होता है, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, वर्टिकल लाइन पे
एक्स कोऑर्डिनेट से भी होता है, तो वर्टिकल लाइन कभी भी कोई ग्राफ को देख करके तुम बता नहीं फंक्शन है का ग्राफ है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे और वो वर्टिकल लाइन दो पॉइंट या दो से ज्यादा पॉइंट कट गया और वो फंक्शन नहीं हो, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं होना चाहिए। अरे देखो यहां पे, यहां देखो इसको चेक करो, इसको देखो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं है, ये फंक्शन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं है, फंक्शन है, बट यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट से हो गया फंक्शन नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर एक कोण बच गया सर, एक बी में एक थी कोण बच गया, सी सी बचा हुआ, सी नहीं है, एक सी बच गया, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सी बचा हुआ, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट से नहीं है फिर भी एक सी बचा हुआ, ओके सी बचना नहीं चाहिए, पहले बता दिया। तो ये तीसरा वाला एग्जांपल और ये वाला चौथा वाला एग्जांपल, ये फंक्शन ही दोनों फंक्शन है। अब सुनो, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये R1 है या R2 है, माने रिलेशन ही फंक्शन बनता है, रिलेशन ही फंक्शन बनता है। अब इसमें क्या था रिलेशन है कि एक एरो से देखो, ये भी रिलेशन है, 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 फंक्शन में, लेकिन वो रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट ए से एक ही एरो निकलना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हर एक का इस्तेमाल होना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके ध्यान देना। तो R1 R2 रिलेशन है, फंक्शन है, बट R3 R4 फंक्शन नहीं है, रीजन भी दे दिया। अब गौर सुनो, ओके, अब रिलेशन फंक्शन तो R1 फंक्शन है, R2 फंक्शन है, क्योंकि x नॉट सेम नहीं है। अब ये कैसा फंक्शन सर, अगर इधर के दो या दो ज्यादा एलिमेंट का सेम एलिमेंट उधर सेटिंग है, शादी है, ओके सेम सेम से, ओके तो इसको बोलते हैं मिनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिनी, हाँ ये तो कंडीशन है कि सब सब यूजर है, एक सबका एक सिंगल सिंगल है, लेकिन उधर के एक ही एलिमेंट का, उधर साहब देखो बी के साथ, बी के साथ से कोई दिक्कत नहीं, आजादी है, बी के एक ही एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा शादी हो गया तो कहते हैं उसको मिनी वन फंक्शन, मानी कि मिनी वन एक से ज्यादा कैसे, मिनी वन फंक्शन, फंक्शन तो है लेकिन मिनी वन है, ओके मिनी वन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है इंजेक्टिव, हाँ मिनी वन देख लेंगे, हाँ इंजेक्टिव, हाँ सर जी ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन मिनिमम फंक्शन। इसमें देखो सिंगल सिंगल है, इसका अपना यूनिक है, इसका अपना यूनिक है, इसका अपना यूनिक है, इसको बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन, ओके ऑन टू मतलब कि सॉरी वन ऑन टू नहीं, वन वन, ओके सर उल्टा बोलते हैं, इसको बोलेंगे मिनिमम, इसको बोलेंगे वन वन, ऑन टू बाद में बात करते हैं, ओके तो एक सिंगल सिंगल सब, यहाँ दो एलिमेंट ऐसा जिसका सेम सेम से शादी हुआ हुआ है, यानी यहाँ वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, वाई कोऑर्डिनेट से बोलते हैं मिनी वन फंक्शन, ठीक है मिनी वन फंक्शन, ठीक है मिनी वन, ओके उसके बाद इसको बोलते हैं सर यहाँ पर सबका सिंगल सिंगल अपना, तो बोलते हैं वन वन फंक्शन, सिंगल सिंगल सबका, ओके इसा देखो, इसा देखो बी का, यहाँ पर देखो बी का सिर्फ दो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है और बच गया बेचारा बिल्ला, बिल्ला बच गया, तो बोलते हैं अगर बिल्ला बच गया, यानी कि यहाँ पर देखो इसका डोमेन जो है वन टू है, रेंज जो सॉरी डोमेन का है, रेंज जो है वन टू है, कोडोमेन वन टू थ्री फोर है जो छोटा है, अगर रेंज कोडोमेन से छोटा हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इनटू, बच गया कोई कोई इधर बी में बच गया, तो मतलब बी के कोई भी एक एलिमेंट बच गया तो उसको बोलते हैं इनटू, यानी वो ऑन टू नहीं है, और अगर नहीं बचा जैसे यहाँ दो या बी में यही डोमेन है, ये रेंज है, यही डोमेन है, ये रेंज है, यही डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन रेंज जो है कोडोमेन, डोमेन का सॉरी गाइस कोडोमेन, यही रेंज है, यही कोडोमेन है, यानी रेंज यहाँ पर कोडोमेन के बराबर है, मैंने बोला था ना कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन से छोटा या बड़ा होता है, रेंज चूंकि कोडोमेन के बराबर है, तो बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, कोई बचा नहीं चाहिए। अगर देखो ध्यान दो फंक्शन कब होता है बता दिया, अब फंक्शन होगा अगर तो अगर एक सारे एलिमेंट, अगर एक दो या दो सारे एलिमेंट का सेम उधर इमेज हो गया यानी फंक्शन रिलेशन हो गया, तो उसको बोलते हो मेनी वन फंक्शन, ठीक है, अगर एक अपना अपना सिंगल सिंगल एरो निकला हुआ, सिंगल सिंगल है, सेम सेम नहीं उधर के, तो कह देना उसको वन वन फंक्शन। अब बी में अगर रेंज अगर कोडोमेन से छोटा है तो बोलोगे इन टू फंक्शन, यानी ऑन टू नहीं है वो, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो बोलते ऑन टू फंक्शन, ओके ये तो ए साइड से दो फंक्शन दो टाइप बता दिया, वन वन मेनी वन, और बी साइड से बता दिया ऑन टू और इन टू, ठीक है ये समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है, चला जाओ अच्छा चेक करने के लिए तरीका सुनो, फंक्शन को अगर लाइन से चेक करना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, मैंने बोला लाइन ये सर्किल वाला, ये फंक्शन वन वन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, मिनिमम ऑन टू तो छोड़ो, फंक्शन नहीं है, कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कोई ग्राफ को चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ओके अब वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट कट कर गया, दो पॉइंट वैसे मैक्सिमम ऐसे नहीं कि सर यहां खींच दिया तो यहां एक को नहीं कटा, मैक्सिमम काट के देखना, तो मैक्सिमम दो पॉइंट कट कर गया, यानी कि फंक्शन वन वन, सर ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है ये, क्योंकि एक ही पॉइंट कट कर रहा है, फंक्शन है, ओके लेकिन ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन जो है मिनी वन फंक्शन है, मिनी वन क्यों है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि फंक्शन को चेक करने के लिए तुमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ओके वन वन है कि नहीं है, उसके लिए तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है फंक्शन हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए देखो एक ही एक्स दो दो वाई एक दो अलग अलग एक्स के लिए वाई का वैल्यू सेम है, ओके इसको बोलते हैं कि ये मिनी वन है, बता दिया। तो फॉर वन वन इनपुट मतलब कि फंक्शन होने के लिए एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, देयर मस्ट बी वन आउटपुट, टू चेक फंक्शन फ्रॉम ग्राफ यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर ग्राफ से आप फंक्शन चेक करना चाहते हो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट टच करके कट कर गया तो वो फंक्शन नहीं है, एक पॉइंट कट कर गया तो फंक्शन है, बता दिया पूरा, ओके ये मस्ट हैव यूनिक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए भैया, ये जो यहाँ बताया है तुमको एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, उसको बोलते हम लोग फंक्शन, ओके ये इंपॉर्टेंट है। तो हर एक रिलेशन फंक्शन, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन होने के लिए ध्यान दो, अगर एक्स वन एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग होना चाहिए, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज भी अलग होता है, अगर एक्स वन एक्स टू दो अलग एलिमेंट है तो दोनों का इमेज भी अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, या ऐसे बोलो दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है, एक ही पॉइंट की बात हो रही है, दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो दोनों का इमेज भी सेम होना चाहिए,
ये भी दो तरीके से बोलने का तरीका है कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो उसका इमेज यानी y1 y2 भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो 1 1 है। अगर x1 x2 बराबर है तो उसका इमेज भी x बराबर होना चाहिए, ये भी 1 1 है, याद रखना। दोनों सेम ही होने का क्या मतलब, एक ही पॉइंट की बात आ रही है। ये लिखा हुआ देखो, x1 not equal to x2 fx1 not equal to fx2, इसको बोलेंगे फंक्शन 1 1 है। या इसे बोलो x1 x2 बराबर है, यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है, उसका इमेज भी एक ही होना चाहिए, यानी कि उनका इमेज भी बराबर होना चाहिए, fx1 और fx2, इसको बोलते हैं इमेज। ये y1 y2 को fx1 ही बोला जाता है, ठीक है। y1 हो गया fx1 और y2 हो गया fx2, तो ये हो गया तुम्हारा 1 1 का डेफिनेशन। एग्जाम में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है 1 1, ठीक है। x1 not equal to x2, और अगर मान लो x1 दोनों एलिमेंट अगर अलग अलग है, दो अलग अलग डोमेन का पार्ट है, और ये उसका इमेज सेम हो गया, तो सिंपल सा बात है, अगर दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये x1 है ये x2 है, और का इमेज सेम हो गया, सेम इमेज हो गया, इस तरीके से तीसरा ये फंक्शन जो है, फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन 1 1 ये मेरी 1 है, क्योंकि दो से मतलब। लेकिन अगर ये ऐसे करते हैं, देखो ध्यान दो, अगर x1 देखो x f is not 1 1 मेनी वन फंक्शन, नॉट वन वन मतलब मेनी वन फंक्शन, या तो नॉट वन वन बोलो या मेनी वन बोलो, बात से में, ठीक है। और एक्स वन एक्स टू बराबर हो जाए, यानी एक्स वन एक्स टू बराबर, यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है, और उसका इमेज बराबर नहीं है, उसका इमेज बराबर नहीं है, ऐसा तो दो एरो निकलना ही नहीं चाहिए, फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, बता दिया। तो अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर है बट उनका इमेज बराबर नहीं, तो सोलह फंक्शन ही नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऑन टू के लिए भी अगर रेंज कोडमेन के बराबर है तो ऑन टू है, बराबर नहीं है छोटा है तो बोलेंगे उसको कि वो इन टू है, ऑन टू नहीं है, बता दिया है। कि अगर रेंज कई बार एग्जाम्पल पूछा हुआ है कि एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, ओके, यानी रेंज है ये कोडमेन है, बी को कोडमेन बोलते हैं। अगर फंक्शन एफ ए से बी में है तो बी को कोडमेन बोलते हैं, बराबर है तो उसको ऑन टू बोलोगे, अगर छोटा है तो बोलो एफ ए और बी से सबसेट है, सबसेट है ऑन इन टू बोलोगे, ओके। और कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था पहले वाला, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, जो जैसे ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इनटू होगा, जो ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, जो वन वन नहीं होगा मेनी वन होगा, ये मेनी वन इनटू है, ओके, और ये वन वन ऑन टू दोनों, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, बता दिया। अब चलो चेक करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हो सवाल, ओके, ध्यान दो। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ए से बी में, ए से बी में फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स आउट एक्स वन दे दिया, तो फंक्शन भी दिया रहेगा, कहां से कहां दिया रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ए से बी में, ओके। अब चेक करना कि 1 1 2 चेक करो, देखो डोमेन कैसा कौन होगा, 1 2 3 1 कर दो, 1 कर दो, रखो 2 कम 2 1 3, 1 का इमेज 3 बनेगा, 1 का इमेज 3 यहां डायग्राम पुट करके देख लो, 2 को 2 4 5, 2 का 5 हो जाएगा, 3 को 3 2 5 1 7, 7 हो गया, तो 3 भी इसके अंदर 5 भी 7 गया, ओके, और 9 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 डोमेन हुआ, ये रेंज हो गया, तो ऑब्वियसली कि 1 1 3 2 5 3 5 3 7, ऑब्वियसली कि हर एक एलिमेंट का अपना इमेज है, ये 1 1 है, मेरी बनी है 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन रेंज जो है 3 5 7 है, कोडोमेन 3 5 7 9 है, जो कि कोडोमेन बड़ा है, ओके, और रेंज छोटा हो गया, क्योंकि रेंज कोडमेन का सबसे ज्यादा है, सबसे तो हो भी करेगा लेकिन छोटा है, बराबर तो नहीं है, तो यानी कि ऑन टू नहीं है, तो यानी कि ये वन वन है, ऑन टू नहीं है, ओके, यानी कि ऑन टू नहीं है, तो बोलते इन टू लिखा हुआ, वन वन एंड इन टू प्लस लिख दिया, प्लस इन टू, भाई यहाँ समझाने के लिए, अब तुमको सिंपल तरीका बताता हूँ, भैया लिखा हुआ, तो एक्स बराबर इतना, वन को बोलते हैं इनपुट, वन को बोलते हैं इनपुट, और जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं आउटपुट, जो जो वन रखा उसको एक्स का वैल्यू बोल दो, एक्स करंट का वैल्यू, और जो जो पुट करके आंसर आएगा आउटपुट इमेज जो आएगा उसको बोलते आउटपुट, यानी कि वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू इमेज आउटपुट, बता दिया, ओके। ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ चेक कर लो, एक्स स्क्वायर दे दिया हमने, ओके, अब यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, रखे देखो माइनस दो का स्क्वायर विचार आएगा, स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर बनाएगा, वन का स्क्वायर भी बनाएगा, टू का स्क्वायर बनाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, रखे देखो जीरो आउटपुट दिया हुआ, ओके, तो दो का स्क्वायर चार, माइनस दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, जीरो, ओके। तो देखो सर यहाँ के हर एक एलिमेंट का इमेज बन गया था, ओके, देखो से ए माइनस टू का भी इमेज छोड़ है, चार है, दो का विचार है, ये वन वन नहीं है, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया, ये मेनी वन फंक्शन, इसमें कोई शक नहीं है, और चूंकि यहाँ पर जो रेंज है कोडमेन का बराबर है, ऑन टू है, ये मेनी वन है, ऑन टू एग्जांपल से बता दिया, माइनस टू का भी इमेज छोड़ है, टू का भी इमेज छोड़ है, इमेज वाई का वैल्यू भाई बता दिया, चूंकि यहाँ पे दो वाई वन से यानी कि मेनी वन है, बता दिया था, वाई वन से मतलब मेनी वन और एक्स वन से मतलब, तो वो फंक्शन फंक्शन ही नहीं होता है, समझा दिया, ठीक है, इस तरह डायग्राम समझना आसान होता है, ये चीज समझा दिया मैंने, ओके। आज देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, वन का क्यू वन, वन में टू जो, दो का क्यू आठ आठ, नौ, तीन का क्यू 67 है, ये वन वन भी, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, बता दिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये एकदम रामबाण है, एकदम जबरदस्त तरीका है, ये रामबाण है, मतलब एकदम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान तरीका है सवाल बनाने में, तुम इसको रामबाण बोल सकते हो, ऐसा करते हैं ना, इस पे हम तुम लोग के लिए दिल लगा देते, दिल दिल, हाँ दिल, ये बहुत मस्त है। अच्छा, अगर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, बहुत आसान मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, और x का पावर ऑड है, ऑड है, जैसे पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 5 है, पावर 7 है, तो ऑब्वियसली ये क्या प्लस का प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, जीरो जीरो आएगा, तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनेगा, तो लास्ट में वो 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, इसमें शक नहीं है, तो ऑड पावर है तो 1 1 1 2 दोनों होगा, बाइजेक्टिव होगा, लेकिन इवन पावर, जैसे इवन पावर 2 का x पावर 2 है, x पावर 4 है, दो लोग है, तो माइनस 1 का स्क्वायर बनाएगा, 1 का स्क्वायर बनाएगा, दो लोग 2 का स्क्वायर चलाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर चलाएगा, सेम एलिमेंट का उधर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम हो जाएगा, तो वो 1 2 नहीं होगा, यानी 1 1 नहीं होगा, मेरी 1 होगा, ओके। और जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम जानते हो उधर स्क्वायर का भी नेगेटिव होता नहीं है, तो उधर तुम्हारा डोमेन में तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो उधर तुम्हारा पॉजिटिव का इमेज बनेगा, जीरो का इमेज बनेगा, लेकिन नेगेटिव इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव आता है, ओके, यानी कि 1 2 नहीं होगा, तो इवन पावर में 1 1 1 2 दोनों होगा, और ऑड पावर में 1 1 2 नहीं होगा, यानी कि वो दोनों नहीं होगा, याद रखना, लिखा हुआ कि f बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, एंड ऑन 2 भी होगा, ओके, याद रखना। लेकिन अगर फंक्शन में ऑड पावर है, ऑड नेचुरल, सॉरी इवन नेचुरल नंबर है, तो फंक्शन आइदर 1 1 नॉट ऑन 2, f इज मेनी 1 और इन 2, इसी को बोलेंगे दूसरा तरीका, ये
ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया रामबाण। ये सवाल बनाने का तरीका है जो सब्जेक्ट में आप देते हो, ओके, ये बनाने का तरीका है। अपने पास तो सिंपल तरीका देखो, ये दो फंक्शन कुछ नहीं दिया था, रियल नंबर से रियल नंबर है, कुछ नहीं दिया था रियल नंबर से रियल नंबर है, लेकिन एक्स पावर एक है तो वन वन भी ऑन टू भी है, सोचो एक पावर है और पावर है तो वन वन भी ऑन टू भी है, मैंने बता दिया, पर शॉर्ट ट्रिक में सिखा दिया आपको, ओके, ये बनाने का तरीका है, ओके, ये बनाने का तरीका सब्जेक्ट ट्रिक, ये ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड बहुत आसान होता है, ग्राफिकल मेथड में बताया था, ये ग्राफ खींचो, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इक्वल टू 3 प्लस 5, स्ट्रेट लाइन तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट प्लस है तो ऊपर कर दिया। अब इसको देखो तुम, ये परिवार तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो एक पॉइंट कट रहा है, यानी कि 1 1 है, ओके, 1 1 तब नहीं होता जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो ऊपर कट रहा है, तो 1 1 नहीं होगा, सही ग्राफ ये x का ग्राफ है, और ऐसे ड्रा करोगे तो ऊपर कट रहा है, ये 1 1 नहीं है, ओके। दूसरी बात कि इसमें देखो ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है, रेंज जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो भी है, यानी कि रियल नंबर है, ओके, यानी कि रेंज को डोमेन का बराबर है, यानी कि 1 1 भी है 2 भी है, बट यहां पर तो ऊपरी ग्राफ है पॉजिटिव है, ओके, फंक्शन रियल नंबर नेगेटिव तो है नहीं, यानी कि रेंज यहां पर डोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए यहां पे ये 1 1 नहीं है और 2 भी नहीं है, ओके, ये समझाना चाहिए। ग्राफिकल मेथड भी है, कंसेप्चुअल बात बताने के लिए आइए बता दिया ने। फिर ये आ गया आपका इवन, मैंने बोल दिया इवन है, इवन है 1 1 2 दोनों नहीं होगा, तो रियल नंबर से रियल नंबर बता दिया, क्यों कि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ऑब्वियसली है, दो डिफरेंट नंबर का इमेज सेम आ गया, ये 1 1 नहीं है और 2 नहीं है, क्योंकि जानते हो कि पॉजिटिव दो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, लेकिन नेगेटिव तो दो है, ये रेंज कैसा हो गया, अब कोडोमेन में नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि रेंज कोडोमेन से छोटा है, बराबर नहीं आया, इसलिए 2 नहीं है, तो मैंने बोला ना 1 1 2 नहीं है, ओके okay, एक बात ये कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर थोड़ा कहानी अलग हो जाता है, ओके नेचुरल से नेचुरल में इवन पावर में भी इवन वन नहीं है, नेचुरल नंबर नेचुरल रहेगा तो चेंज होगा, कहानी तो चेंज होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, बनेगा, ओके डिफरेंट बनेगा, यहां पर नेगेटिव ले नहीं सकता नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली है कि 1 1 तो होगा लेकिन ऑन 2 नहीं होगा, ऑन 2 के लिए कहीं 2 3 4 किसी का मीनिंग होगा, ओके तो 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। अब चलते हैं वो भी चेक हो गया, बहुत ही आसान है, ओके अब चलते हैं कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही आसान होता है, कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शन को मिला देते हैं, जैसे एफ जी को भी मिक्स कर देते हैं, जी और एफ को मिक्स कर देते हैं, फॉग गॉग हॉग गॉग, ओके फॉफ इस तरह का, तो बहुत आसान है, एफ ऑफ जी एफ और जी को मिलाकर बनता है वो फंक्शन, जी और एफ को मिलाकर बनता है, इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी, जी ओ जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, एच ऑफ जी, ओके हॉग गॉ एटसेट्रा, ओके तो एफ एक्स दे दिया है 2x+3 और जी एक्स दे दिया 7x-5, अब बोल दिया फॉग निकालो गॉफ निकालो, ये एफ जी देगा तो फॉग या गॉफ ये पूछेगा, तो निकालो कैसे निकालो, मैंने मैंने बोल दिया फॉग 2024 निकालो, फॉग गॉफ 2024 निकालो, बोलो सर पहले तुम फॉग गॉफ निकालो, ओके क्या करो, जैसे फॉग निकाला ना तो देखो फॉग निकालना है तो पहले जी का काम करोगे, इधर राइट से काम करते हैं तो जी को अंदर रख दो, जी को अंदर ऐसे लिखोगे, जी को अंदर इस जी एक्स को सुना, अच्छा सुना, अच्छा इंपॉर्टेंट है, F के लिए ये इनपुट हो गया, ये F के लिए ये इनपुट हो गया, तो F में जहां पर X लिखा हुआ होगा, F में जहां पर X लिखा हुआ होगा उसे X को हटा के GX रख दो, X को हटा के GX रख दो, 2X को हटा और GX रख दो, 2GX+3 और GX का मान दिया हुआ है पुट कर दो, ओके GX मान रख दो और यह कैलकुलेशन करो आंसर आ गया, अब यहां पर बोला है कि फॉग निकालो 2024, ओके तो 2024 रख दो एक्स आंसर आ गया, खत्म, कैलकुलेशन करना तुमको बड़ा मतलब नहीं है, ओके अब वैल्यू देगा खाली एक्स में पूछेगा, खाली फॉग पूछेगा खाली एक्स में छोड़ो आंसर, वो बड़ा मतलब नहीं है, ओके सर फॉग में पहले जी पे ऑपरेट किया गया, पहले जी पे ऑपरेट करोगा, गॉफ में पहले एफ पे ऑपरेट करो, दो गॉफ निकाल दो, खत्म, ये मच्छर सब जो है चलिए आइए, ओके चलिए तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन कहा गया सॉल्व आ गया, हाँ चलिए मैंने फॉग निकाल दिया, गॉफ निकाल सकते हो उल्टा, अब एफ एक्स 2x कर दिया जिक्स दिया 3x-2 और तुमको फॉग गॉफ निकालने वाला था, बस हो गया, जी को अंदर करो जी एफ में, जी एफ में एक्स की जगह जी एक्स रख दो, एफ में एक्स की जी एक्स रख दो, जी एक्स का होल स्क्वायर फिर जी एक्स मान दिया वापस करो, कैलकुलेशन आंसर आ गया, ओके फॉग जीरो पूछे फॉग कुछ भी पूछे, गॉफ निकालना है तो एफ एक्स को अंदर करो और एफ एक्स जी में एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, जी में एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, एक्स 3 × एफ एक्स, एफ एक्स अंदर करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जो भी पूछे वैल्यू देखा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा क्वेश्चन फॉफ निकालो, ये आंसर क्वेश्चन है फॉफ निकालो, तो क्या करोगे फॉफ में यानी कि एफ एक्स अंदर, एफ में ही एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे, एफ में ही एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे, तो एक्स की एक्स ना उसकी जगह एफ एक्स रख दो, एफ एक्स का होल बाई 3 होल गया, जो भी खाली एक्स हटाओ एक इसको हटाओ उसकी जगह एफ एक्स पुट कर दो, एफ एक्स रख दिया और एफ एक्स का मान कितना है 8x का 1/3, 8x को लिखोगे बता दे देता, ये 8 को लिखोगे तुम क्या चीज, 8 का 1/3, x का 3 दिया 9, 9 का 8, 2 का 3 कर दो, 3 कट गया 2 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 2 और 16 16 x का खत्म, अब पूछ देगा फॉर्म बनेगा 1 2 1 का 1 9 वो नहीं होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है, एनसीआरटी का एनसीआरटी का क्वेश्चन है, अभी टेस्ट में पूछा हुआ है, एनसीआरटी का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जो भी एनसीआरटी का एमसीक्यू है वो एग्जाम में कई बार दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये दिमाग में रहेगा सर एनसीआरटी का आप जो लिखे हो उस पर पीवाईक्यू तो लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं पीवाईक्यू नहीं लिखे लेकिन वो कई बार पूछा जा चुका है, तो एनसीआरटी लिख दिया हो गया, ओके तो फॉफ निकालना था, एफएक्स रख दो, एफएक्स अंदर कर दो, एफएक्स एक्स जगह एफएक्स रख दो, एफएक्स का होल क्यूब, सब कुछ को ध्यान रखना, अब एफएक्स का मान रखा होगा 3 − x का, 3 − x का होल क्यूब, ये होल क्यूब नहीं होगा, ये एफएक्स का मान इस एक्स की जगह रखा जाएगा, तो देखो ये 3 रहेगा ही रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, एक्स एक्स रहेगा ही रहेगा, ओके सही है, एफ एक्स का मान ये वाला 3 − x का होल क्यूब, 3 कट गया, ओके 3 कट गया, बचा 3 − x क्यूब, ये −3 और ये माइनस प्लस हो गया एक्स क्यूब, अभी एक्स 3 कर दो, 3 कट दो आंसर आ जाएगा एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आ गया, एक बात याद ना जब भी फॉफ एक्स बराबर एक्स आए, ओके सेम आए, सो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स होता है तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, एक्स आ गया ना इसलिए, या वाई आ जाए या एक्स आ जाए, कभी भी वाई आ सकता है, वाई निकाल दो,
ये भी क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है, गॉफ निकालना है तो गॉफ निकाल दो आंसर, ऐसे जाएगा फॉग निकालना है नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आंसर में तुमको मिलेगा, प्रैक्टिस कर लेना सर ओके। और ये तुम्हारा फॉग गॉफ निकालने का एक तरीका भी है कि फॉग गॉफ डिफाइन कब होता है, तो बहुत आसान वर्ड देखो, वर्ड देखो। अगर मुझे गॉफ लेना है, मैंने बोला ना कि फॉग है, फॉग में जी से लेके जी से एफ के, पहले जी पे काम होता है, जी से जी पे पहले अपलोड होता है, और गॉफ में पहले एफ पे अपलोड होता है ओके। तो अगर ये फंक्शन है फिर जी है, तो अगर तुम जी ऐसे लोगे जी साइड से लोगे तो फॉग डिफाइन करोगे, जी पहले आगे ना और एफ साइड से जाओगे तो फॉग गॉफ लोगे ओके। मैंने बोला ना कि पहले जो जो बाद में दिखाया तो पहले ऑपरेट होता है, तो अगर मुझे फंक्शन ऐसे लेना है तो हमको तुमको पहले एफ लिया था तो बाद में रखना पड़ेगा तो गॉफ होगा, और वहां से ऐसा आएंगे तो फॉग होगा ठीक है, बहुत आसान होता है। तो ए से बी मैंने एक फंक्शन एग्जांपल दे दिया है, कोई बड़ा मतलब नहीं है ओके। तो वन टू थ्री दिया हुआ है, थ्री फाइव सेवन नाइन दिया हुआ है, वन का थ्री के साथ दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो एफ देख लो, एफ दिया हुआ मैंने एफ लिखा हुआ। ओके 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 चलिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपको एफ एक्स टू एफ एस वन है ओके दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है, और ए बी सी दिया हुआ है, माने फंक्शन एफ जो ए से बी में है, जी बी टू से बी से सी में है, निकालो पुट करो यहाँ पे पता चल जाएगा, एक्स वन को तीन आएगा, वन अगर तीन आएगा, दो रखने में तुमको दो रखने में पांच आएगा, तीन रखने में सात आएगा, कर दिया वहाँ पे दिखा दिया, और तुमको कुछ भी दिया, चिंता नहीं करना, मैंने ये एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया। और जी एक्स है तो जी एक्स कहाँ से का बी सी है, तो बी का मतलब बी डोमेन का पार्ट हो जाता है, तीन रखो, तीन दो छः, पाँच दो दस, सात दो चौदह, नौ दो अठारह लिख दिया ओके, लिख दिया। तो ए एफ हो गया, जी हो गया, अब मुझे फॉग निकालना है, निकाला फॉग, फॉग होगा सी से ए की ओर, सी से ए की ओर निकालो फॉग ओके, फॉग निकालो, तो छः का वन यहाँ यहाँ से दो, इसी से बीच छोड़ोगे, सी से वन, दस का दो, चौदह का तीन, या अठारह का कोई नहीं है, तो फॉग डिफाइंड ही नहीं है, फॉग डिफाइंड होने के लिए कोई ना कोई मिलना चाहिए, मैंने बोला ना सी से ए की ओर हो जाएगा फॉग, तो फॉग में ये तीनों का इमेज तो है लेकिन अठारह का इमेज इधर नहीं, यहाँ होना चाहिए, बीच में नहीं, यहाँ आया, तो फॉग डिफाइंड ही नहीं है। गॉफ निकालो, गॉफ ऐसे निकालोगे, गॉफ ऐसे निकालोगे तो वन का छह है, दो का दस है, तीन का चौदह है, और कोई बच भी सकता है, अठारह बच गया कोई दिक्कत नहीं, तो बच सकता है ओके। तो गॉफ ऐसे, गॉफ ऐसे निकालोगे, गॉफ एफ से जी की ओर जाओगे और फॉग जी से एफ की ओर उल्टा ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा गॉफ हो जाएगा 1 6 2 10 3 14 लिखा हुआ, गॉफ लिख दिया और उसका फॉग डिफाइन नहीं है। अब डिफाइन होने का कंडीशन क्या होता है, ओवर से अगर तुमको गॉफ डिफाइन करना है तो एफ का रेंज जी के डोमेन के सबसेट होने चाहिए, एफ का रेंज जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तुम देखोगे यहाँ पे एफ का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है वो रेंज है, एफ का रेंज है ओके, एफ का रेंज जो है ओके वो जी का डोमेन का सबसेट है, जी का डोमेन लिया ना पूरा उसका सबसेट है, तो यानी डिफाइंड होगा, क्योंकि इसलिए गॉफ यहां पर डिफाइंड है। अच्छा कहाँ बैठा हुआ, ठीक है, तो गॉफ डिफाइन तब होगा जब एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यहाँ पर है ओके, देखने से लग रहा है। और फॉग तब डिफाइन होगा जब एफ का जो फॉग है, फॉग फॉग एफ फॉग जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और जी का जो रेंज है वो जी का रेंज देखो, जी का जी चीज है, जी का जो रेंज है यह ओके, एफ का डोमेन का सबसेट है ही नहीं, लाजमी है ओके, बेहतर यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छा से इसको ढंग से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा तुमको ओके। रेंज ऑफ जी दिया हुआ है, डोमेन ऑफ एफ इतना ओके, तो चूंकि जी का जो रेंज है वो डोमेन एफ का डोमेन का सबसे नहीं है, इसलिए फॉग डिफाइन है, और डायग्राम्स दिख लिया तो समझाने के, चलो ये थ्योरी लिख लेना है, गॉफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ, बोले ना एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसे होना चाहिए, और फॉग डिफाइन तब होगा जब जी का रेंज और एफ का डोमेन का सबसे होना चाहिए, बता दिया है, तो बहुत आसान है। इनवर्स निकालना बहुत बड़ा आता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान दो, इनवर्स निकालना है तो इनवर्स लिखो, अगर कोई फंक्शन 1 2 3 1 a 2 b 3 c ये a f है a से b में, तो b से c में निकाल दो फंक्शन, तो तू और से b से c तब अगर मान लो यहां पर d रहता, b से c तुम फंक्शन बनाते तो b से d बन गया, d बच जाता तो फंक्शन ही नहीं होता, ये फंक्शन इनवर्ट इनवर्स करना उल्टा करना है, तो ये उल्टा होने के लिए 1 1 भी होना पड़ेगा, 1 2 भी होना पड़ेगा, तो कोई फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता जब वो 1 1 भी हो 1 2 भी हो, यानी पॉजिटिव हो, 1 1 1 2 फंक्शन का ही इनवर्स निकलता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ओके। मैंने निकाला f इनवर्स b से a, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो 1 a तो a 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, उल्टा हो गया ओके, तो f इज बाइजेक्टिव, f 1 1 जब होगा 1 2 भी होगा, 1 1 1 2 दोनों होगा तब जाकर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 1 भी हो 1 2 भी हो, ये याद रखना। निकालना कैसे बहुत आसान तरीका, क्वेश्चन दे देगा एक बार एग्जाम में डिटी में आएगा, बोलेगा 3 5 है इसका इनवर्स निकालो, कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑड पावर है, सर बोल दिया पहले ऑड पावर 1 1 ऑन 2 दोनों है, अगर 1 1 ऑन 2 1 1 नहीं है तभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन 2 नहीं है तभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 1 1 ऑन 2 दोनों है तभी तक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है याद रखना, बहुत सीधे ऑड पावर है, रियल नंबर सर बोले हैं कि 1 1 ऑन 2 दोनों है, हो गया, अभी सब कुछ नहीं करो, क्या करोगे यहां से इसको fx को y मान लोगे, fx को y मान लो, यहां से x को अकेला कर लो, x को अकेला करो, x को अकेला करो, ये प्लस 5 इधर माइनस 5 बटन डाल दो, यही तुम्हारा इनवर्स हो गया, बस खाली यहां पर एक बार इंटरचेंज कर दोगे, x जो y कर दो, y जो x कर दोगे, तो यहां हमने y को हटा दो, इसको f इनवर्स y बोलते हैं, y को हटा दो अब x हटा दो, ये तुम्हारा इनवर्स होगा, सीधी बात है, प्लस में होगा तो माइनस में कर दो, माइनस में तो प्लस कर देना, ये प्लस 5 तो माइनस जाएगा और गुणा में बटन चला जाएगा, 3 बटन माइनस 3 गुणा में बटन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बटा 3 देखिए ओके, जैसे ही क्वेश्चन देखो ये इतना बड़ा एग्जाम पूछा हुआ है, कुछ नहीं करोगे, माइनस पर तो प्लस पर कर दोगे, तो प्लस पर हो गया और 5 गुणा में बटन कर दोगे, तो ये देख ले देख ले देख ले, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और कभी भी तुमको गॉफ या फॉग निकालना हो, एक्स आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट, वही वही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी तरीका है इनवर्स एग्जिस्ट करने का ओके। चलो
तो समझ आ गया इनवर्स मेरा बहुत आसान है। एक है बाइनरी ऑपरेशन, बहुत आसान है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, बाइनरी नाम क्योंकि दो नंबर को जोड़ता है, जैसे दो तीन में दो जो तो पांच होता है ना, तो ये प्लस जो है इसको बाइनरी ऑपरेशन करता है, क्योंकि दो एलिमेंट को जोड़ दो नंबर को जोड़ के एक सिंगल नंबर देता है। तो ये जो ये इसका इनपुट है, तो ओके ये इसका इनपुट है, दो इनपुट होता है, मैंने कि एक्स को वाई को यानी एक पॉइंट की तरह ऑर्डर पेयर की तरह इसका इनपुट है और सिंगल रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट सिंगल आता है और इनपुट जो है तुम्हारा वो एक पॉइंट बनता है, ठीक है, ध्यान देना। तो प्लस कोई आर क्रॉस आर से कोई फंक्शन है जो आर में है, आर क्रॉस आर से एक फंक्शन है आर में, ठीक है। तो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ओके। प्लस मैं कहता हूं कोई को भी दो रियल नंबर जोड़ो तो एक रियल नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली ये फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ओके। तो देखो अब बाइनरी ऑपरेशन में अगर मान लो प्लस है, बाइनरी ऑपरेशन है, ध्यान दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो जीरो को तुम किसी नंबर में जोड़ोगे, जीरो प्लस दो कर लो, दो प्लस जीरो कर दो ही होगा, ओके। तो जीरो में ए जोड़ो, ए में जीरो जोड़ो तो ए ही होगा, तो उसको जीरो बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो को प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, ओके। मतलब जिस एलिमेंट को उस ऑपरेशन को करने पर वो एलिमेंट खुद आ जाए, जीरो का कोई अहमियत ना हो, अहमियत ना हो, जैसे जीरो को जोड़ में कोई अहमियत नहीं होता है, तो उस जीरो को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। जैसे गुना में वन की कोई अहमियत नहीं, वन को बोलेंगे गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये याद आना। और इनवर्स एलिमेंट होता है, जैसे ए का इनवर्स एलिमेंट, ए में क्या जोड़ेंगे आंसर जीरो आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। ए में माइनस जोड़ोगे, जैसे दो में माइनस दो जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, तो दो का इनवर्स माइनस हो गया, एक जोड़ने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे गुना करने के लिए, जैसे दो में क्या से गुना करेंगे वन आएगा, दो में वन बाई टू से गुना करो तो दो वन आ जाएगा, वन उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इनवर्स दो का इनवर्स वन बाई टू हो जाएगा गुना के लिए, प्लस के इनवर्स प्लस किया माइनस, माइनस किया प्लस, बस इतना याद आना, ठीक है भाई। तो ये ए में माइनस जोड़ा तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, ए में माइनस ए जोड़ोगे जीरो होगा, माइनस में ए जोड़ोगे जीरो होगा, तो माइनस ए को बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, यहाँ लिख दिया मैंने, ए में जीरो जोड़ो तो ए होगा, जीरो में ए जोड़ो तो ए होगा, तो जीरो का कोई अहमियत नहीं, तो जीरो को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट ए का माइनस है प्लस के लिए, और गुना के लिए देख लो, गुना के लिए वन को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स इनवर्स हो जाएगा ए का वन, बता दिया। उसी तरह ये बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार से लिखते हैं, अब ये स्टार प्लस में सकता है, माइनस में सकता है, गुना में सकता है, भाग में सकता है, सकता है, ऐसे फंक्शन हो सकता है। स्टार को बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हम बोले दो इनपुट होता है, एक क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन नहीं है, ओके, और इसमें दो इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, इसको क्लोजर लॉ बोलते हैं। क्लोजर लॉ मतलब कि जो दो एलिमेंट उठाओगे उसी सेट से उठाओगे, रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ध्यान दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए स्टार ई स्टार ए, ई का ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलने के लिए ई का कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए, ए ही आना चाहिए, ये याद है। तो ए स्टार ई स्टार ए एक ही बराबर होना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सवाल करेंगे समझ आएगा, और ए स्टार बी स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो गया, तो सोचते हैं इनवर्स एलिमेंट, बी को बोलेंगे एक इनवर्स एलिमेंट, आ जाओ सवाल हुआ था समझ आएगा। कॉमेटेटिव लॉ कहते हैं जब बी स्टार्ट ए स्टार्ट, जैसे दो में तीन जीरो पांच होगा, तीन में जीरो पांच होगा, प्लस रियल नंबर के लिए कॉमेटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तीन दोनों छह करो, दो तीन छह करो, गुना भी कॉमेटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉमेटेटिव लॉ क्रम बिना नियम, उल्टा पुलटा करने पर सेम आना चाहिए, और एसोसिएटिव लॉ तीन ठोक सेम, जैसे मैंने ए पे बी पे ऑपरेट कर लो फिर सी के साथ करो, यहाँ एक बार निकलो बी पे सी पे ऑपरेट करके फिर एक के साथ करो, सेम आएगा, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, उसको नहीं पढ़ना अपने। तो बाइनरी ऑपरेशंस को लिखने का तरीका होता है, या तो कभी स्टार्ट लिख रहेगा, कभी ओ लिख रहेगा, ऐसा जीरो के साथ, कभी ऐसे लिख रहेगा, कभी ऐसे लिख रहा है, ओके। जैसे क्वेश्चन लिखा एग्जाम आया हुआ है, स्टार इक्वल टू ए प्लस बी वन प्लस वन दिया हुआ है, बोले क्वेश्चन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, इसका ये इनवर्स एलिमेंट निकालो, सब निकालते हैं, पहले चेक करते हैं कॉमेटेटिव और आंसर में एक सवाल है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करो, वैलिडिटी इसका इनवर्स एलिमेंट निकालो और इसका ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, चलो ये चेक करते हैं, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल पाओगे तब जाकर इनवर्स एलिमेंट निकाल पाओगे। तो ए स्टार बी इक्वल टू पहले चेक निकालो, पहले बी स्टार निकालो, जहां पे ए वहां पे बी रख दो, जहां बी वहां पे ए रख दो, प्लस या ना प्लस हमेशा कम्यूटेटिव होगा, प्लस के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस गुना हमेशा कम्यूटेटिव, सोचना ही नहीं, तो रखो बी की जगह एक जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया, एक जगह बी बी जगह ए, तो ए प्लस बी है, बी प्लस सेम ही होता है, जो सेम ही हो गया, तो ए स्टार बी के बराबर हो गया, चूंकि बी स्टार ए स्टार बी के बराबर हो गया, स्टार कम्यूटेटिव हो गया। फिर अब हमको चेक करना है स्टार इज कॉमेटेटिव, अगर हमको निकालना है चेक करना है एसोसिएटिव, तो क्या करोगे, ये भी होगा ऐसे होगा प्लस है ना, तो ए स्टार बी पहले ले लो, यहाँ पे ए स्टार बी की जगह रख दो, ए प्लस बी प्लस वन रख दिया, ए स्टार बी की जगह, ओके बोला ना, ये एसोसिएटिव का चेक कर, पूरा उठा कर दो, यहाँ पे पूरा उठा कर दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया, अब इसको पूरा को ए बोलो, पूरा को ए बोलोगे, इसको पूरा को ए बोलो, ए बी बोलोगे, तो ए की जगह पर इस ए की जगह उठा रखो ए, और बी की जगह से सी रख दो, प्लस वन तो रहेगा, यानी इस ए की जगह इस ए की जगह पूरा उतारो उतारो, और बी की जगह से उतारो फिर प्लस वन, तब तुम जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू हो जाएगा, फिर आप क्या करो, ए को बाहर निकालो, बी को सी के साथ करोगे, ओके, ए को बाहर निकल बी को सी, बी को सी के साथ ये फॉर्मूला मेरे को, बी की जगह बी एक जगह बी और बी की जगह सी, तो बी सी प्लस वन हो जाएगा, बी सी प्लस वन हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक जगह ए रखोगे, बी की जगह ये सारा होगा, हां भाई आंसर आ जाएगा, दूसरे में आ गया, लेकिन स्टार इज एसोसिएटिव, ओके। अब हमको निकालना आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपसे फॉर्मूला पड़ता है, ए स्टार ई स्टार ई बराबर ए, तो कोई दो ठो को ले लो, ए स्टार को एक, ए को ई के बराबर कर दो, ए स्टार ई को एक के बराबर, ए लिखना, ई लिखना, ओके। अब यहाँ देखो ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ए स्टार ई को एक के बराबर कर दिया, और यहाँ पर एक जगह ए रख देंगे, बी की जगह ई लिख देंगे, एक जगह ए रख देंगे सवाल में, एक जगह ए रख देंगे, बी की जगह ई रख देंगे, ओके प्लस वन, तो ए प्लस ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए, ए कट गया, ई का मन मानस आया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मानस आया, बहुत बार पूछा क्वेश्चन, इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर दो, ओके, जैसे ए स्टार बी बी स्टार ए बराबर ए, बस ये याद हो कि इनवर्स एलिमेंट लिखा फॉर्मूला होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा होता है, बस ये याद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से निकालो और यहाँ से बी को क्या, बी को क्या, ये इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, ये इनवर्स एलिमेंट, ओके, समझाने के लिए बोलते हैं। अब कभी कभी बोलते हैं उसमें टू स्टार थ्री निकालो, ये सवाल में बोलेगा, ये सवाल टू स्टार थ्री निकालो, बोले टू स्टार थ्री निकालो, एक जगह टू रख दो, बी जगह थ्री रख दो, दो तीन पांच एक छह खत्म, बोले टू स्टार थ्री फोर निकालो, सॉरी निकालो, तीन टू निकालो, ऐसे बोले टू स्टार थ्री फोर स्टार, दो दो को मिला दो दो में, एक जगह रख दो, बी जगह तीन, दो को पहले जोड़ कर दो, एक जगह रख दो, बी जगह तीन रख दो, प्लस वन, कुछ में दिया हुआ जैसा फुट करना है, और यहाँ चार के साथ दो तीन पांच छह 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 चार, फिर बड़ा एक बार लगा दो, छह चार, तो एक जगह चार, बी जगह चार, एक जगह चार दो, बी जगह चार दो, छह प्लस चार प्लस एक, ग्यारह आंसर आ गया, सर कहाँ रखा है, वैल्यू कहाँ रख रहा है, यही जो क्वेश्चन में दिया हुआ, वहाँ
एक जवाब एग्जाम्पल कर दो जो क्वेश्चन दिया हो, ऐसा क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ए स्टार बी बराबर ए बी बाई फोर दिया, गुना है, गुना है तो एसएसटी भी होगा, कॉम्पिटेटिव भी होगा, और ये तुमको इसका एंटेलमेंट करना होगा। बी स्टार ए रखो तो एक जगह बी जगह ए, ये स्टार इज कॉम्पिटेटिव, और ये दो एसएसटी चेक कर लो, तो ए स्टार बी ए बी बाई फोर मैं रख दो वैल्यू, ए बी बाई फोर 16, ए बी बाई 16 आ गया। मैंने बोला ना जोड़ घटाओ कभी चिंता नहीं करना, जोड़ घटाओ हमेशा एसएसटी और कॉम्पिटेटिव होता है शॉर्ट में। ओके, तो स्टार एसएसटी एंटेलमेंट निकालना, ए स्टार ई को ए के बराबर तो ए कट गया, ई का मान चला गया। इनवर्स निकालना तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर दो, बी का निकालो, बी का मान सॉल्व आइए। ओके, ये सवाल ये बार पूछा हुआ है, ए स्टार इसका वाले आइडेंटिटी निकालो, तो ए स्टार ई इक्वल टू ई का बराबर तो यहां पे बी वहां पे रख दो, रख दिया। अब यहां से ई कौन ले लो, तो यहां 1 प्लस ए बटा 4 ई का 0 हो गया, 0 हो गया तब यहां लगा दो, यहां से इनवर्स कर दिया। कई बार एग्जाम पूछा हुआ इसका इनवर्स निकालना 0 हो गया। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव पे, मैंने बोलेगा कि ध्यान दो एक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी समझ लो। अगर कोई फंक्शन है एफ से ए में, बी से बी, ए से बी में, ओके, जैसे रिलेशन निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन u का पावर m * n या n स्क्वायर, उस तरह फंक्शन निकालना है, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है, नंबर ऑफ फंक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो क्या करोगे, बी में जितना एलिमेंट है, बी में जितना एलिमेंट है उसके ऊपर एक एलिमेंट चढ़ा दोगे बी में, अगला को अगला के पावर में पीछा चढ़ाओगे, अगला का पावर पीछा, ऐसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ए में एन एलिमेंट है, ये एन स्क्वायर है, एन का पावर एन स्क्वायर, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन याद रखना। जैसे ये एन सारी ऑपरेशन दो एलिमेंट दिया ना, तो एन का पावर दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पूछा हुआ सीधे सीधी। ओके गाइस, चलो तो रिलेशन पॉइंट का क्वेश्चन लेते हैं, पी वाई क्यू लेते हैं, आंसर लेते हैं, थोड़ा कंप्लीट करते हैं। ओके चलो, आ तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज ना रख सके वो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। चलो इसी शेर के साथ स्टार्ट करते हैं आज का कहानी, चलिए स्टार्ट करें। पहले आंसर ये सवाल करते हैं, चलिए ध्यान से, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर, आर दिया हुआ है 1 2 2 2 जो 1 1 इसके अंदर है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्स पहले चेक करो, एक ही से चल जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये दोनों तो कभी छोड़ दो, ये दोनों आर इज सिमेट्रिक, ये दोनों होगा नहीं बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज इक्वल, ये भी हो सकता है। चलो रिफ्लेक्सिव है, चलो चलते हैं। ये सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 को अल्टा, तो 1 2 को अल्टा, 1 2 को अल्टा 2 नहीं है, 1 2 को अल्टा 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक किसमें दिखाई दे रहा है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर कौन होगा, देखो बी इक्विवेलेंस तो कभी नहीं हो सकता है, कहीं सिमेट्रिक है नहीं, ट्रांजिटिव बात नहीं करो। ओके, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा क्योंकि, और यही एक ही केस है जिसमें सिमेट्रिक वाला केस नहीं है, नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव हो, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो होगा नहीं, या आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 सर 1 1 है, 2 2 2 2 2 2 है, 3 3 3 3 3 है, 4 4 4 4 है, अब 1 2 का अल्टा 2 1 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, तो बट नॉट सिमेट्रिक, यानी बी आंसर होगा, बी क्लियर। ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आंसर का देख लो। उसके बाद आर बी द रिलेशन गिवन बाय ए बी, ए माने बी, बी ग्रेटर देन 2 6, ओके कब वाला बी ग्रेटर देन 6, बी 6 से बड़ा होना चाहिए, बी बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट ये तो जिंदगी भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन कंडीशन लगा दिया, ये कोई भी, ओके, और दोनों का अंतर के नाम दो का अंतर होना चाहिए, दोनों का अंतर दो, देखिए जो ए है यानी कि एक्स होना चाहिए वो बी से दो कम होना चाहिए, बी से दो कम होना चाहिए, ये कभी नहीं होगा, ये आंसर, ये सी हो गया खत्म, ये कभी नहीं होगा, दो का कम होना चाहिए, दो कम यानी कि बी माइनस 2 है, इसलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, एक्स कितना आसान है, मैंने थ्योरी पढ़ाया आपको डिटेल से कि अगर इवन पावर आएगा तो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, और ऑड पावर होगा तो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, इवन पावर है, रियल आंसर नहीं दिया हुआ है, तो 1 1 ऑन 2 दोनों है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, दोनों नहीं है, इफ इज 1 1 बट नॉट ऑन, इफ इज नेदर 1 1 नॉट ऑन 2, शॉर्ट ट्रिक में सीरियसली उड़ा सकते हो। मैंने पहले बोला आपको कि जो बच्चा ध्यान देता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है थ्योरी को, ये ऑड पावर है, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, ओके ऑड पावर है, तो इफ इज 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टिव 1 1 भी है, ऑड 2 भी है, ओके गाइस, ओके आ जाइए, या फॉफ निकाला है, थ्योरी निकाला है, फॉफ निकाला है, एक्स आंसर आया था, ये थ्योरी निकाल दिया, निकाल के दिखाता हूँ, लो दिखा देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, लो मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू फॉफ निकालना, डायरेक्ट करो ना, छोड़ो ना, फॉफ निकालना तो फॉफ के लिए क्या करोगे, फॉफ एक्स लेके अंदर कर दो, एफ ऑफ एफ एक्स, जहाँ एक्स वहाँ पे एफ एक्स रख दो, मैंने बोला था जहाँ एफ है वहाँ पे एफ एक्स रख दो, यहाँ एफ है, थ्री एक्स को हटाओ और वहाँ रख दो एफ एक्स होल क्यूब, अब पूरा का होल पावर 1/3, वो कितना आसान है, देखते रहो, अब एफ एक्स का मान रखो, यहाँ पे एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान रखोगे, थ्री माइनस एक्स क्यू का होल 1/3, ओके पूरा का होल क्यूब, अब पूरा का यहाँ पे पावर 1/3, लो ओके ये 3 3 कट गया, 3 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, ओके और ये 3 3 कट गया एक्स क्यूब, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 3 3 कट गया, आंसर आ गया एक्स, आंसर एक्स दिया, आंसर ये क्वेश्चन है, मैंने निकाल दिया था पहले आपको, आ जाओ, ये क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन है, बोला इनवर्स निकालने के लिए, कुछ करो इनवर्स निकालना है तो बोलता है वहाँ से वाई मान लो, वाई मान लो, मैंने बोला था 4x, जब इनवर्स बोला है तो इनवर्स डिफाइन होगा ही होगा, ये 1 1 ऑन 2 होगा ही होगा, इसमें कोई चिंता नहीं करना है, ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला, तो वाई मान लिया, यहां से एक्स को क्या करो, 3xy प्लस 4y 4x, अब यहां से हमको एक्स को क्या करना है, तो एक्स को उठा लो, एक्स उठा लो, इधर इधर इधर, या इसी को ले जाना, इसी को ले जाओ, इसी एक्स को उठा ले, 4y को ऐसे दो, एक्स को क्या करना है, हम भी इनवर्स निकालने के लिए एक्स को क्या करना है, ठीक है, अब बताओ यहां से तुम एक्स को कॉमन ले लो, एक्स को ले लो, 4 माइनस 3y बटा बराबर 4y, ओके यानी एक्स बराबर हो गया तुमको 4y बटा 4 माइनस 3y हो गया, ये आंसर है, खाली x या y कर दो, y की जगह x कर दो, आंसर आ जाएगा, f इनवर्स x निकलना है, y भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ, तो y भी दिया, ये आंसर हो गया, ये तुम्हारा f इनवर्स y हो गया, इसी को बोलोगे f इनवर्स y, यही हो गया f इनवर्स y, y माइनस कौन हो गया 4y, 4 माइनस 3y, 4y, 4 माइनस 3y, मिस्टेक मत करना, गलती गलती में, या आंसर
4y 4 - 3y ये दिया हुआ है, ध्यान से देना, गलती नहीं करना, कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो खुद प्रैक्टिस करना, तरीका बता दिया, तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पलटा हुआ कोई चीज नहीं होता है, उधर ध्यान दो, ये होगा प्लस दिया हुआ है, मैंने बोल दिया प्लस है तो एस भी होगा, देख लो कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इतना, चूज द करेक्ट आंसर, ए स्टार बी इक्वल है, स्टार इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज बट उसी में आंसर होगा, चेक कर लो, बना कर डाउट है तो चेक करो चलो, कब है ए स्टार बी, तो बी स्टार है तो हो गया, चेक करना है तो तुमको एसोसिएटिविटी चेक करना पड़ेगा, चलो आ जाओ, चलो ए स्टार बी के लिए लिख दो, ए स्टार बी और स्टार सी, चलो ओके ए क्यूब प्लस बी क्यूब चेक कर लो स्टार सी, अभी समझ आ जाएगा, ओके एक जगह रख दो, एक जगह ध्यान चेक करो, ये चेक हो है कि नहीं है, तो बाद में आंसर इसलिए कर रहे हैं, पहले आंसर नहीं बना क्योंकि क्यूब है ना, यहाँ बताओ ध्यान देना पड़ेगा, तो रखो मैं ओके बताओ एक जगह रख दो, इतना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो गया इतना, और ए स्टार अंदर बी स्टार सी कर दो, कॉम्पिटेटिव तो है, कोई शक नहीं है, चलो ठीक आ जा, तो इसके बाद एक जगह एक ही रखो, अब बी की जगह रख दोगे तो बी की जगह रख दोगे बी स्टार सी, ऐसा करना इसको नहीं, पहले ए स्टार को ऐसे तो बी बी स्टार की जगह करो, बी क्यू प्लस सी क्यू, अब चलो ए की जगह ए क्यू बी की जगह इतना हो गया बी क्यू प्लस सी, तो बी क्यू प्लस सी क्यू का होल क्यू पूरा इधर से हो नहीं सकता है, तो ये कहा इसमें ए क्यू का एक का तीन का बना हुआ बी का बना आएगा, यहाँ पर तुमको बी का बना आएगा सी का बना आएगा, बराबर नहीं, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं है, कॉम्पिटेटिव तो है, देखो लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे, अब बी क्यू प्लस ए क्यू क्यू प्लस बी क्यू बराबर आएगा, तो यानी कि ये स्टार इज कॉम्पिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, आंसर भी होगा, पहली बार गलती मान देता, तो स्टार इज कॉम्पिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सही है, कॉम्पिटेटिव है, बता दिया, बना के दिखा दिया आपको, ये भी आंसर ही होता है, मैंने आपको कल लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अगर रिलेशन आप लिखना चाहते हो जिसमें 1 2 होना चाहिए, पहले पहले व्हिच आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 भी लेना पड़ेगा, 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 3 भी लेना पड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव तो है तो है, आपका बोला क्वेश्चन व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो, हां सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, ओके जैसे 1 2 होना चाहिए, 1 2 ले लो, 1 2 ले लो, 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 2 और लियो और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्वेश्चन बोला है सॉरी सिमेट्रिक होना चाहिए, 2 1 लेना ही पड़ेगा, 2 1 लेना ही पड़ेगा, ओके और तो मुमकिन नहीं है, तो ये देखो क्वेश्चन देखो ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक भी है, 1 2 अल्टर 1 ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, चलो 2 2 खत्म कर दिया, 1 1 है, चलो करेक्ट है सर, ओके उसके बाद ये 1 ले लो, ये 1 और ये 1, 1 2 1 2 है, 2 ले लो, ये 2 2 2 1 है, 2 1 है, और चेक करो, और कोई चीज चेक कर लो जिससे मैच नहीं करता हूं, ओके ओके गाइस, ओके 2 2 2 1 हो गया, अभी सही है, 1 1 ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, कंडीशन है रिफ्लेक्सिव एंगल रिलेशन ट्रांजिटिव में आ जाए, चेक कर लेता, ओके तो 1 1 1 1 और ये तुम्हारा 1 2 तो ये हो जाएगा, चेक करना है और कोई चेक कर लो, और कोई चेक कर लो, 1 2 है, 2 1 ले लिया, 1 2 अच्छा 1 3 भी बोल रहा है, वाह ये तो कौन है, बी कौन है, यही तो कह रहे हैं गाइस, 1 3 भी लेना है क्वेश्चन में, ये तो गलती कर रहा है, 1 3 ले लो, 1 3 वाला लिए हो क्वेश्चन, 1 3 लियो तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, यही तो है, आप चेक करो, ये गलती कर देते हैं, ठीक है चलो ये हो गया, पहले क्या करते हैं अच्छा से लिखते हैं ना, तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन ही करते हैं, पहले बना लिखो, ओके सर रिलेशन आर क्वेश्चन में 1 1 भी लेना पड़ेगा सर, रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ है बार, ओके इसलिए पढ़ाओ याद करना, 1 2 लोगे तुमको 2 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमको सिमेट्रिक बनाना है, ओके 1 3 लोगे तो तुमको 3 1 भी लेना पड़ेगा, ओके 3 1 भी लेना पड़ेगा, अब चलो आगे देखते हैं, चेक करते हैं 2 3 ले लिया, जरूरत नहीं है 2 3 वाले कुछ बोल रहा है, ओके ये दोनों होना चाहिए, अब चेक कर दो, रिफ्लेक्सिव तो है सिमेट्रिक भी है, ओके सिमेट्रिक, अब आप चेक करते हैं, चलो 3 वाला लेते हैं, चलो 3 वाला और ये 3 3 खत्म हो गया, ओके ये 3 3 खत्म करेंगे, ये 3 3 ये 3 3 ओके 2 3 2 वाला लेते हैं, ये वाला लो, ये बना लो, ओके 2 1 है, 2 1 है आर के अंदर एंड 1 3 है आर के अंदर, देख लो ना आसान है, 1 1 खत्म करो तो 2 3 आर के अंदर है, नहीं है नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ये यानी कि एक ही रिलेशन ये बन गया, एक ही और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा एक, सही हो गया, ओके एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव नहीं है, ओके देख लो एग्जांपल दे दिया, एक ही रिलेशन पॉसिबल है, आगे आ जाओ एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन होना है बहुत आसान है, चलो ए पहला रिलेशन रिलेशन को 1 2 होना ही चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, 2 2 और 3 3 ये तो होना ही होना है, अब 1 2 भी रखना है क्वेश्चन, तो 1 2 रखना है तो 2 1 रखना ही पड़ेगा, गारंटी है, तो ध्यान से देखो ये रिफ्लेक्सिव है थोड़ा, देखो ध्यान से दो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है 1 2 है तो 3 1 लेना ही पड़ेगा, तो जाकर सिमेट्रिक होगा, और ट्रांजिटिव भाई देख लो कैसे भी देख लो तुम, कैसे भी देख लो मैंने बोला ना जो दिखाई सुधर है 2 2 1 1 मौजूद है, फिर इसी के साथ ले लो आ गया 1 1 खत्म 1 2 रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, एक तो ये हो गया, ये आर 1 लिख देता हूं, दूसरा भी पॉसिबल है जो इक्विवेलेंट रिलेशन मैंने बोला ना यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन सबसे बड़ा पूरा जो आएगा पूरा 1 1 इसको थोड़ा हटा के थोड़ा सा बड़ा कर देता है आर 2 ओके 1 1 2 2 3 3 इतना ही है, उसके बाद 1 2
टू वन लेना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद वन थ्री, थ्री वन, उसके बाद टू थ्री, थ्री टू, पूरा आ गया, सबसे बड़का यही है। ओके नौ एलिमेंट इसका अंदर, नौ ओके, तो यानी कि ये भी रिफ्लेक्शन, ये भी सॉरी ये भी इक्वल रिलेशन है, ये भी इक्वल रिलेशन है, इसके अंदर भी वन टू मौजूद है, इसके अंदर भी वन टू मौजूद है, ओके ये छोटका ही बड़का है, क्या वो रिलेशन बोला, क्या वो पॉसिबल है, नंबर देन द नंबर ऑफ इक्वल रिलेशन है, सभी खत्म, ये पॉसिबल है। दो टू एग्जांपल याद आना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से याद आएगा चीज़, नंबर बाइनरी ऑपरेशन इन सेट में दो एलिमेंट दिया हुआ है, दो एलिमेंट दिया हुआ है, दो एलिमेंट दिया हुआ है सर, दो एलिमेंट होते हैं, कवर सर अभी नंबर एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला कवर है, टू एन स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला बताते हैं, एन का वैल्यू टू, एन का वैल्यू टू, और फॉर्मूला बताते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का, ये टू एन स्क्वायर, हमें बताते हैं दो का स्क्वायर, दो का चार, सोलह एलिमेंट होने वाले, क्वेश्चन में ऐसा बनाओ कि क्वेश्चन चेंज भी कर देना, तुम बना लो, फॉर्मूला याद आया तो, ओके ये चीज़ है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दो, ओके। उसके बाद ये कितना आसान है, देखो चेक करो, ये अब यहाँ से पी बाई क्यू स्टार्ट हुआ, एनसर दस क्वेश्चन एनसर का था, ये दस क्वेश्चन एनसर का था, पूरा एनसर का एग्जांपल मैंने दे दिया, मिसेस तक का दे दिया, अब चलो फिर दो पी बाई क्यू दो है नौ का, देख लो क्या बोल रहा है, ये सर दिया वन टू थ्री, वन वन टू टू थ्री थ्री, वन वन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, चलो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन तो है नहीं, पहला कट मारो, कट मारो, क्या रिफ्लेक्शन नहीं है, वन वन है नहीं है, टू टू नहीं है, कोई भी एक भी गायब तो नहीं है, चलो टू टू है लेकिन वन वन नहीं, थ्री थ्री नहीं है, अब चलते सर सिमेट्रिक लिया, टू थ्री का उल्टा थ्री टू है, थ्री वन का उल्टा वन थ्री, सिमेट्रिक भी नहीं है, थ्री वन का उल्टा वन थ्री नहीं है, ओके चलो अब चलते हैं सर ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तीन तीन खत्म, टू टू मौजूद है, टू टू मौजूद है, उसके और चेक करो, और चेक करना पड़ेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलेंस तो होगा नहीं, अब सोचो ना चेक करने की जरूरत है, कवर से लगा ट्रांजिटिव है खत्म, ऐसा थोड़ी चारों ऑप्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इक्वलेंस नहीं है, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं तो इक्वलेंस होगा, ट्रांजिटिव होना ही होना है, सोचना ही नहीं सवाल में, दिमाग लगा रहा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कल जो बनाने जाओगे दिमाग खर्चा करने जाओगे, था जब लॉजिक से बढ़ रहा है तो ओके बेस्ट ऑफ रिलेशन भाई, देखो फिर वन वन टू टू थ्री, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव खराब कम आसान, रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसके बाद सेम से होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, कैसे दिया हुआ है मैंने बोला था, ओके उसके बाद वन थ्री का उल्टा थ्री वन है, और टू थ्री का उल्टा थ्री टू नहीं है, थ्री टू नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ओके हाँ ये थोड़ा चेक करोगे, नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, दो तो खत्म हो गया, अब तुम फिफ्टी फिफ्टी वाला रूल ठीक बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसमें, तो देखो वन थ्री, अब याद हो थ्री थ्री, वन वन मौजूद है, वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, वन नहीं है, यानी भी नहीं है, यानी आंसर हो गया नॉन ऑफ दिस, ओके दो हजार ग्यारह का पी वाई क्यू देख लो, 2009 से क्वेश्चन स्टार्ट किया, तुम लोग हमको लगता है कि सब पंद्रह सोलह साल के हो गए, उस टाइम पैदा हुआ होगा, एक साल पहले चलो तो लेसन अभी बताता है, सेट ऑफ नेचुरल लेसन इज ओनली ट्रांजिटिव, ओके लेसन जैसे बोला जैसे पांच, ओके पांच से छोटा नहीं होता, ये फॉल्स है, ये कभी भी कोई भी नंबर उठा लो ये फॉल्स है, ओके कभी नहीं, तो ये ट्रांसमिटिव तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिंपल लेना, और इक्वल टू लगा था फिर रिफ्लेक्सिव होता, मैंने बताया था इक्वल टू में पांच पांच से छोटा बड़ा होता है ना, सही होता है, लेकिन लेसन बोला खाली, ओके इसलिए, और उसके अलावा पांच अगर छह से छोटा है तो छह पांच से छोटा नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, पांच छह से छोटा है, छह सात से छोटा है, ओके ओके तो पांच सात से छोटा तो होगा ही होगा, गारंटी है, पांच सात से छोटा यानी ट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, पहले मैंने बता दिया था, पहले बता दिया एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है चलो यहाँ पर फॉल्स ना लिखा गया थ्योरी में तो ऐसा रहेगा, कर देता हूँ पांच एग्जांपल या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारे पास हाउ मेनी कैन बी डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम डिफाइंड द सेट, अभी बताया था दो का पावर एन दिया हुआ तीन, ओके तीन दे दिया, दो का पावर एन स्क्वायर फॉर्मूला बताया, दो का पावर तीन का स्क्वायर, दो नौ पांच सौ बारह, पांच सौ बारह दो नौ बारह आंसर है, अगर एल वन एल टू पेपर ऐसा दिया हुआ ऐसा दिया हुआ, ठीक है एल वन एल टू में तो कोई लाइन खुद के पेपर थोड़ी होगा, एल वन एल टू पेपर थोड़ी होता है, गलत बात है, ओनली सिमेट्रिक, ओके रिफ्लेक्स एंड ट्रांजिटिव, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है 17 देखो क्या पूछा है, क्या है ऑप्शन देख लो, देखो पहले ये ऑप्शन में देखो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव की बात है, मैपिंग की बात है, मैपिंग फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है ये याद रखना, मैपिंग जो है वो फंक्शन का दूसरा नाम है, ये याद रखना, मैं लिख देता हूं मैपिंग फंक्शन को ही कहा जाता है, तो देखो ये कितना आसान है, देखो ये क्वेश्चन पहले बात तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 नहीं है 2 2 3 3 माने कोई एक भी नहीं तो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, गलत ओके ये नहीं होगा, उसके बाद बात कर लेते सर सही ट्रांजिटिव पड़े रिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी गाइस रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है क्योंकि इसमें सिमसम वाला नहीं है, उसके बाद सिमेट्रिक की देख लेते हैं, वन थ्री का उल्टा थ्री वन है, फोर टू का उल्टा टू फोर है, टू थ्री का उल्टा थ्री टू नहीं है, थ्री टू नहीं है इसका अंदर, थ्री टू नहीं है, देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, हाँ लिखा हुआ नॉट सिमेट्रिक, देखो यही चीज समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक है नहीं, ओके तो लिखना चाहिए सिमेट्रिक है तो बोलते नहीं आंसर, लेकिन नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है, सही आंसर, यही आंसर है, यही आंसर है, ओके बाकी ट्रांजिटिव नहीं है, देखो ट्रांजिटिव टू टू खत्म करो, फोर फोर इसके अंदर ट्रांजिटिव नहीं है, अब मैपिंग होने के दो वन का थ्री के साथ, वन का थ्री के साथ,
उसका फोर का टू के साथ, फोर का टू के साथ, उसका टू का फोर के साथ, टू का फोर के साथ है, टू का फिर थ्री के साथ, फिर टू का थ्री के साथ भी है। बोलते ना कि एक ही से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, यहाँ पे एक इनपुट के दो आउटपुट है, ये फंक्शन ही नहीं है, मैपिंग में नहीं है, या मैपिंग बोला है जब आपका डोमेन कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, रेंज कोडोमेन वाला ऑन टू होगा, रेंज कोडोमेन से छोटा हो या सबसे हो तो उसको लेके वो इनटू है, ऑन टू नहीं है, तो ऑब्वियसली है ये तो ऑन क्वेश्चन वाला इनटू था, इनटू सबसे कहां है, एफ ए, एफ ए वाला रेंज, एफ ए वाला रेंज, ओके रेंज बी का सबसे, ये तो कभी नहीं होगा, एफ बी, एफ बी नहीं होगा, एफ ए, आंसर ए हो जाएगा, बहुत आसान है, रेंज कोडोमेन का सबसे होना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, क्या बोला क्वेश्चन, रेंज, रेंज पूछ रहा है, अगर डोमेन पूछता तो एक्स के वैल्यू पे चलते हैं और रेंज पूछा वाई का वैल्यू, तो क्या करना तरीका, ऐसा तरीका क्या है, पहले बात तो रूट का एक बहुत शॉर्ट टिप बताता हूं, रूट का मिनिमम वैल्यू जीरो है, रूट का भी नेगेटिव नहीं आता रूट का आंसर, मतलब कि इसका तुम एक्स समान कुछ भी इसमें रखोगे, जो भी वैल्यू इसमें अलाउड वैल्यू है डोमेन के अंदर, तो तुम वैल्यू रखोगे तो वाई का वैल्यू मिनिमम जीरो आने वाला है, मैक्सिमम कुछ भी होगा, मिनिमम जीरो आने वाला है, मिनिमम जीरो कहां पर दिखाई देगा, जीरो का दिखाई देगा, जीरो, ये आंसर भी हो गया खत्म, बट नॉन ऑफ दी भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर तो ये हो गया, आंसर तो ये दिया हुआ है, ओके आंसर तो ये दिया हुआ है, ओके यही आंसर है, लेकिन नॉन ऑफ दी भी दिया हुआ, चेक करना पड़ेगा, तरीका बनाने का अच्छा पसंद नहीं है, वाई इक्वल टू इसका बहुत तरीका है बनाने का, ओके वाई का वैल्यू निकालेगा, ओके दूसरा तरीका भी बता दो, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे और रूट लिख दोगे x माइनस 1, और हम तुमको कैलकुलस का मेथड बताते हैं, कैलकुलस का मेथड क्या करो, वाई स्क्वायर को ऐसे जेड मान लो, कोई बात नहीं, जेड लेंगे, जेड मान लो, जेड x माइनस 1 और 3 माइनस x, चलो हटाओ और गुणा करो इसको, चलो गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा कर लो उसको, गुणा कर लो तो हो जाएगा तुमको, क्या क्वेश्चन क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस चार एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कर लेना तुम, ओके अब इसको क्या करो, डी जेड बाई डी एक्स कर लो, मैक्सिमम मिनिमम निकालो, आसानी से निकल जाएगा, टू एक्स प्लस फोर, अब मैक्सिमम मिनिमम होने के बराबर जीरो कर दो, जीरो के बराबर, यहाँ से एक्स वन टू निकलेगा, एक्स वन टू निकलेगा, तो मिनिमम वैल्यू जीरो से पता है और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, पुट कर दो, वाई पुट कर दो, वाई पुट कर दो, पुट कर दो, एक्स वन टू रख दो, दो में से एक गया तो एक और तीन, ये स्क्वायर को दिखाते हैं, स्क्वायर करते हैं, तीन में से दो गया तो एक थे, एक उन्हें एक एक आंसर आया, एक स्क्वायर रूट एक किलो में, स्क्वायर रूट कभी नहीं लेना, ओके आंसर एक आया, ये जीरो और वन, मैक्सिमम वैल्यू वन आया, मिनिमम वैल्यू जीरो आया, आंसर भी रेंज वाला होता है वाई की वैल्यू, ठीक है ये तरीका है, मैंने सिखा दिया आपको, अब इसे इनवर्स पूछ रहा था, इनवर्स में भी बताया, इसी से प्लस थ्री है ना, माइनस थ्री कर दो, डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्ट इनवर्स निकालना सर, इनवर्स निकालना है, प्लस थ्री है तो माइनस थ्री कर दो, ओके और यहाँ एक्स लिख दो और बट्टा में टू लिख दो, गुणा में तो बट्टा में डालो, सीधा आंसर कहा गया, एक्स से बैठो एकदम शॉर्ट ट्रिक में, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एफ एक्स दिया हुआ और बढ़िया क्वेश्चन है, ओके ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें एफ एक्स दिया हुआ है और टू एफ वन माइनस एक्स दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स निकालना है इसमें, एफ एक्स का सिर्फ बचाओ, एफ एक्स वगैरह कर लिए निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है, एफ वन वन माइनस एक्स दिया, तो क्या करते हैं इसमें, ये एक्स की जगह वन माइनस एक्स रख देना, एक्स की जगह वन माइनस एक्स रख देना, एक और क्वेश्चन जाएगा, ये क्वेश्चन वन मान लेना, इसको क्वेश्चन वन मान लेना, और एक्स की जगह वन माइनस, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे वन माइनस एक्स रख देना, जहाँ पे वन माइनस एक्स होगा वहाँ पे एक्स रख देना, सीधी बात है, यहाँ एक्स है, यहाँ देना वन माइनस एक्स, और यहाँ वन माइनस एक्स टू का दो, टू का दो, ये एक्स रख देना, वन माइनस एक्स की जगह तुम अगर वन माइनस एक्स की जगह तुम अगर एक्स रखोगे तो वन उठ जाएगा, मैंने x की जगह 1 माइनस x रखोगे तो तुमको x बचेगा, तो मैंने बोला जहाँ पे 1 माइनस x है वहाँ पे x रख दो, जहाँ पे x है वहाँ 1 माइनस x रख दो, हो गया ये x हो गया, और x की जगह रख दो 1 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 2 है, तो इसको 6 से निकालना है, तोड़ लो जा, तो a स्क्वायर x स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2, ओके तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो इसको इसको लो, अब यहां हमको एक समीकरण मिल गया, इक्वेशन 2 मान लो इसको, इक्वेशन 2, अब देखो हमको fx चाहिए, fx यानी यहाँ भी fx है, यहाँ भी fx है, ओके और ये f बन रहा है, इसको हटा दो, कटना है इसको, कटना है, दो यहाँ है, यहाँ एक है, दूसरा गुणा करो इसमें, दूसरा गुणा करो, दूसरा गुणा करो इसमें, टू इंटू वन माइनस, मैं पहले fx लिख देता हूँ, चला गया, पहले fx लिख देता हूँ, टू से दूना दूना चार हो जाएगा, fx ओके चार, ओके और ये हो गया टू, उसके बाद f वन माइनस एक्स, दूना चार कर देना, जब दो नहीं आया, सॉरी गाइस, टू ही रह गई, टू से गुणा किया, इसमें टू से गुणा कर दिया, इसमें इसमें क्योंकि हमको f वन माइनस एक्स कट कटाना है,
टू सोलह हो गया, छह दो चार हो गया, अब बाकी दूसरे गुना कर दो, टू एक्स स्क्वायर दो चार एक्स दिया छह, ओके, और उसको ला के इसमें घटा दो, दूसरा गुना कर दिया, यानी क्वेश्चन टू में हमने टू से गुना कर दिया, ओके, और उसको घटा दो लगा के, क्या था एफ एक्स था टू, तो अच्छा ध्यान देना क्यों अच्छा क्वेश्चन है, ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू घटा देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घटा दो माइनस 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 माइनस, ओके, ये तो कट ही जाएगा सर, दो में से तीन तीन एफ एक्स, तीन एफ एक्स हो गया, और इधर बताओ टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचा, उसके बाद फोर एक्स में फोर एक्स रहेगा, और ये छः में दो गया तो चार बचेगा चार, और ये तीन बटन डाल दो आंसर आ जाएगा, तीन बटन ये एम्स भी गॉल स्क्वायर आएगा, एम्स भी गॉल स्क्वायर आ गया आंसर, एम्स भी गॉल स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बटा तीन, सो दिस इज योर आंसर, ओके, एक्स माइनस टू का सही है, सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लेना बढ़िया क्वेश्चन है, ओके, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने कि इसमें एक्स या आउटपुट फिर कैंसिल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसमें अप्रोच करना, ये अप्रोच है सब्जेक्ट में आएगा तो इस तरह बना सकते हो, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, फिर वर्ष निकालना है सर का, मैंने एक लाइन बताओ उसको बताओ, बहुत आसान है, ओके, अरे बताओ तो आप तो बता सकते हो, प्लस फोर तो माइनस फोर कर दो, और एक्स एक्स एन दो बटन में पाँच गुना में है तो बटन पाँच कर दो, अरे तो वाई मान लो, वाई मान करके मैंने बोला था वाई मान लो वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर, यहाँ से एक्स को क्या करो, जो एक्स अकेला होगा वैंस आएगा, तो वाई माइनस फोर बराबर पाँच एक्स, और यहाँ से एक्स बराबर जाएगा तुमको वाई माइनस फोर बटा पाँच, ये तुम्हारा इनवर्स हो गया, तुमको क्या करना है वाई घटाना है एक्स रखना है, ओके, बाय को हटाना एक्स रखना बस हो गया, सो दिस इज योर आंसर मेथड टू, वो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली कर दो आंसर हो जाएगा तुम्हारा एक्स फोर बाई फाइव, अच्छा सर ध्यान देना ना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चा गलती करता है एग्जाम में, एक्स फोर बाई फाइव, ओके, हर बार पूछा हुआ है, ये तो जानते हो कि एफ एक्स नॉट एक्स टू, एक्स नॉट एक्स टू या ऑन टू वन वन फंक्शन का डेफिनेशन है, वन वन का, अगर दोनों दोनों एलिमेंट सेम हो जाए कि दोनों पॉइंट सेम, दोनों पॉइंट सेम है लेकिन एक ही पॉइंट, तो उनका इमेज सेम है, अगर एक ही पॉइंट का एक इमेज है तो समझो कि वो वन वन है, ये वन वन का डेफिनेशन है, वन वन का डेफिनेशन, ओके, मैंने बोला वन वन फंक्शन का डेफिनेशन, ओके, इनवर्स कितना आसान है यार, कितना आसान है, अभी बता रहे कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ, भर भर के पूछा हुआ है, तो प्लस थ्री है तो माइनस थ्री कर दो, बटा चार कर दो, खत्म, एक्स माइनस थ्री बाई फोर, एक्स माइनस थ्री बाई फोर, एक्स माइनस थ्री बाई चाहिए कहा हो गया, एक्स माइनस थ्री बाई फोर तो यही नहीं, एक्स माइनस थ्री बाई फोर, एक्स माइनस थ्री बाई फोर, माय गॉड तो है नहीं है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल दिया हो, करेक्ट है, फोर एक्स माइनस थ्री, और ये मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन गलती दे दिया गया, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, चेक कर लो तो नीचे दे दो, कोई भी ऑप्शन में सही कर देता हूँ, कोई एक ऑप्शन सही कर देता हूँ, एक्सपेंसिव है फ्री आंसर, ये आप लोग क्लिक कर दिया सही सही, अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर लेना तुम लोग, लेकिन मैंने दिखा दिया आंसर, ये डी मान लेता हूँ डी, ओके गाइस, ये आपका मेथड हो गया, ये मेथड टू हो गया, ये आपको पता है, उसके बाद है ये विस्टर का फंक्शन है एफ के साथ, ये पर ही बना लो डायग्राम, ये ए है ये बी है, बनाओ ये बनाओ, ये ए है ये बी है, बनाओ फंक्शन ए से पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, हाँ चलो पहले ए लिख दो, पहले बी लिख दो, पहले एक्स कोऑर्डिनेट एस दिया गया, तो ए बी सी बहुत आसान है, और ये हो गया तुमको वन टू थ्री, देख लो अब फंक्शन दिया हुआ एफ दिया हुआ है ए सी बी में, ए से ए का वन है, बी से बी का टू है, और सी का टू है, सी का टू है, जा ये तो क्लियर हो गया, ये वन वन है नहीं सॉरी वन वन सिंगल वन वन नहीं है, मेरी वन हो गया वन वन है, एक सिंगल सिंगल का सिंगल होना चाहिए, ये वन वन नहीं है यानी मेरी वन है, और ऑन टू भी नहीं है, क्यों देखो ना यार, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज हो गया, और कोडमेन रेंज से कोडमेन जो रेंज जो है कोडमेन से छोटा है, छोटा है, तो यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है, वन वन ऑन टू भी नहीं है, तो वन वन ऑन टू वन वन इंटू नो मिनी वन इंटू एंस हो गया, मिनी वन वन जो वन वन है उसको मिनी वन बोलते हैं, हो गया इंटू, ओके सही है, नंबर वन है नॉन टू है, ओके नहीं मेरी वन है इंटू है, बता दिया मेरी वन क्योंकि दो दो डिफरेंट एलिमेंट में से मांगा, इसलिए ये वन वन है, ये अच्छा क्वेश्चन था बना दिया, ओके ए विल बी ऑन टू फंक्शन था एफ ए बराबर बी, पहले बता दिया ऑन टू होने के लिए एफ ए बराबर बी, और इंटू होने के लिए एफ ए बी का सबसेट हो, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता दिया आपको, ओके सच दैट फंक्शन सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स फाइव, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन मैंने बोला, अब ये चेक कर लो यहां पर ये दिया हुआ है, यहां पर रियल नंबर से रियल नंबर होता है और नंबर होता है, तो वन वन ऑन टू चेक कर, तो फंक्शन ए से बी में आता है, पहले ए बना ए बना ए में वन टू थ्री, ये तरीका बना लो, कभी कभी गलती नहीं हुआ, ये एरो डायग्राम, अब बी में बी ले लो, बी में कितना होता है छः सात आठ, और नंबर एक्स प्लस फाइव है, एक्स वन वन रखो, वन रखो पाँच एक छः, वन का छः टू रखो, ए से ले सकते हो, टू रखो दो पाँच सात, और तीन रखो तीन पाँच आठ, हो गया हो गया, ऑब्वियसली देखने से लगा वन वन भी ऑन टू गया, ओके बिस्टा हो गया वन वन भी ऑन टू, वन वन ऑन टू हो गया, बी आंसर हो गया, ओके दर्द ऐसा क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, ये बोला कि वन टू थ्री वॉज फॉलोइंग फंक्शन ए से इट डज नॉट हैव इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कौन के पास इनवर्स नहीं है, यार बहुत आसान, इनवर्स होने के लिए वन वन ऑन टू दोनों चाहिए, वन वन का वन वन है, ओके उसके बाद टू का टू है, थ्री का थ्री हो गया, ये फंक्शन है, ओके फंक्शन है, ये फंक्शन है, वन का टू है, ओके बोलते ना कि दोनों का एक्सपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, वन का टू है एक्सपोनेंट में, वन का टू है टू का वन है, लेकिन वन का टू है टू का वन है, ओके टू का वन है थ्री का वन है, ये भी है वन का थ्री है, यहाँ चेक करो वन का थ्री है थ्री का टू है टू का वन है, वन का टू है कन्फ्यूजन है, दो एक चीज़ को एक चीज़ बताओ कन्फ्यूज है ना, दो एक चीज़ को मैं चेक बताता हूँ, सब डायग्राम बना लो फटाफट डायग्राम बना लो, चलो पहला पहला बना लो, पहला बना लो फटाफट बना लो, क्रम लगाना मैं जल्दी कर देता हूँ, लो समय ही नहीं लगेगा इससे, लो चलो चलो सबका डायग्राम बनाओ, सॉरी गाइस Sorry guys, okay.
चलो हमको पूरा प्रॉपर बनाना, हम सोचे कॉपी करके काम चला लेंगे। चलो एक दो तीन चार, चार छोटा ही बनाना पड़ेगा, चार ठो। चलो चलो देख ले, देख लेता है। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अच्छा मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता था, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि तुम गलती करोगे गारंटी है, वहाँ पे ही रहता है प्रेशर रहता है बच्चों पे अक्सर। तो ये तो वन का वन से, नो वन का वन से, टू का टू से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, वन 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 टू है। ये पहला आंसर का कार्ड इनवर्स, मतलब कौन के पास डज नॉट हैव इनवर्स, इनवर्स नहीं है, इस वजह से इनवर्स है। कोई दिक्कत नहीं, चलो वन वन का टू से, वन का टू से, फिर टू का वन से, ठीक है ये सही है, और थ्री का वन से, ये इसलिए सेम हो गया, लो मेरी वन हो गया, इसके पास इनवर्स नहीं है, आंसर ये हो गया। मतलब कौन के पास इनवर्स नहीं है, आंसर हो गया ये, आंसर हो गया ये। तो फिर देखो ना इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया, वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो उसका वो फंक्शन इनवर्स वन वन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें देखो वन का थ्री, एक सब चेक करो, सब चेक करो, ये आंसर तो ये हो गया, आंसर तो ये हो गया, दूसरे से चेक हो गया, वन का थ्री है, वन का थ्री का टू है, थ्री का टू है, सबका अलग लगा गया, टू का वन है, लो टू का वन है, वन का टू है, वन का टू है, टू का थ्री है, टू का थ्री है, थ्री का वन है, ये तीनों के पास इनवर्स है। ये भी वन वन है, ये भी वन वन है, लेकिन ये वाला वन वन नहीं है, मिनी वन है, देखो ना थ्री का भी कहाँ गया, ये वाला सॉरी उल्टा बोल दिया, ये भी वन वन है, ये भी इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा, इसका देखो टू का भी वन है, थ्री का भी वन है, टू का भी वन है, थ्री का वन है, ऐसा भी हो गया खत्म। इस तरह के सवाल के अप्रोच को हम लोग लगाते हैं, ठीक है, चला जाओ। The total number of one one function from set A, one one function निकालना था, तरीका सुनो, one one function के onto function निकालने बोले ना, मैं तरीका बताता हूँ, तरीका सुनो, कभी तुम one one onto number में लिख देता हो, थ्योरी याद आना, number of onto function, onto पे one one onto दोनों आ गया, one one onto functions, उसके लिए बस सिंपल तरीका याद आना, ये पूछा हुआ एग्जाम में, factorial n निकालना, factorial n, factorial n, क्या बार पूछा हुआ, ज्ञान की बात याद आना, factorial n, ये आपको याद आना, factorial n, ओके, तो जो भी a में एलिमेंट दिया हुआ है, तो वही है, ये है ना, a में कितना एलिमेंट दिया हुआ है, वैसे नंबरों का स्पेशली एक फॉर्मूला होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, बस ये से कम जाएगा, a में कितना एलिमेंट है बताओ, a में कितना एलिमेंट है सर, a में तीन एलिमेंट है, फैक्टर थ्री बोल दो, कितना जाएगा, तीन का छः, आंसर हो गया छः, खत्म करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ए और बी दिया, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए से बी में फंक्शन निकालना, बहुत आसान है, देखो ओके ध्यान दो, ए में आपके पास दो एलिमेंट है, ए में दो एलिमेंट है, बी में तीन एलिमेंट है, ध्यान दो, ए बी सी, इसका भी आंसर देख लो, बहुत आसान है, वन वन फंक्शन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है, इसका तरीका मैं बताया था थ्योरी में, ओके क्या होता है, इसका एन बी का पावर एन है, डायरेक्ट करना, एन बी का पावर एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और उसका होल पावर करना एन, ये तरीका होता है, तो बहुत आसान है, तो कुछ है नहीं, तो बी में कितना एलिमेंट है, सब तीन है, और ए में दो है, तीन का स्क्वायर नौ, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, चलो खत्म, बहुत आसान क्वेश्चन, 2009 में पूछा हुआ है, 2019 में पी वाई क्यू, ओके चलो, क्या बोला है, ए और बी दिया, द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वन वन फंक्शन पूछा है, अब ये भी देख लो, क्वेश्चन देख लो, इसमें ए और बी है, और ये वन टू थ्री है, वन टू थ्री, ओके, तो ए का तीनों को कर सकते हो, ए का तीनों को सकते हो, एक के लिए तीन जगह है, बी के लिए फिर दो बचेगा, ओके, तीन ना आंसर छह होगा, कुछ करना नहीं है, जो अभी वन वन बोले रहा था, एक की तरफ एलिमेंट देख लो, एक की तरफ एलिमेंट देख लोगे, और उसके हिसाब से तुम दो है, तो दो दो करके आंसर, दो के हिसाब से दो है, ओके, तो आंसर छह हो जाएगा, अगले एक का दो ना छह बनेगा, तुम देखो ना, एक को तीनों से मिला सकते हो, फिर बी को तीनों से मिला सकते हो, ओके, तो बी को तीनों, जब एक को एक से मिला दो, फिर बी को से मिलाना वन में, इसलिए मैंने बताया कि एक को एक के लिए, कोई के लिए फिक्स कर दिया, ओके, मुझे एक दो यहाँ पर देखो, दो ऐसे बनाना, परमुटेशन कंबिनेशन है, एक के लिए तुम्हारे पास, एक के लिए तीन जगह, अब एक भर दोगे तो फिर बी के लिए बचेगा तुम्हारे पास दो जगह, ये तरीका होता है, तीन अच्छा आंसर, सीधा आंसर अच्छा हो गया, 2022 का क्वेश्चन है, पूछा होगा आंसर, ओके, आई फॉग तो बता ही दिया था मैंने, एक्स निकलता है इसका आंसर, एक बार हम लोग निकाल चुके हैं, एक बार रिपीट कर चुके हैं, ये फॉग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी में भी करवाया आपको, ओके, तो फॉग में फॉग निकालना है, तो सर एक्स जी एक्स को अंदर कर दो, जी एक्स को अंदर कर दो, ओके, मैंने बोला कि जहां पर आपको पहले जी पे हम लोग ऑपरेट करते हैं फॉग में, तो कुछ में फॉग पूछ रहा है, ओके, तो जी एक्स रख दो, एफ एफ में जहां फंक्शन एफ है वहां पे एक्स की जगह जी एक्स रख दो, जहां फंक्शन एफ है वहां पे एक्स की जगह जी एक्स रख दो, ये सवाल, तो एफ यहां है, एफ रख दो, एफ है तो वहां पे एट एक्स की जगह जी एक्स रख देना, एक्स का होल क्यूब, और जी एक्स का मान तुमको दिया होगा ना, दिया हुआ है तो एट जी एक्स मान दिया, एक्स का मान थ्री होल पावर थ्री, थ्री कर दो आंसर आ जाएगा एट एक्स, सो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पूछा हुआ है आंसर, ये क्वेश्चन है एट एक्स, ओके, और गॉफ निकालोगे तो टू एक्स आएगा, गॉफ निकालोगे ना तुम लोग टू एक्स आएगा, क्योंकि एक्स की दो के साथ कर जाए टू एक्स आंसर आएगा, गॉफ निकालोगे तो, ओके गॉफ भी पूछ सकता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, गॉफ पूछा है, गॉफ पूछा है, गॉफ निकालना है तो पहले एफ पे ऑपरेट करेंगे, जहां पर जी होगा, जहां पर जी होगा वहां एफ एक्स कर देंगे, जहां जी होगा वहां एफ एक्स कर देंगे, ठीक है, जहां जी होगा वहां एफ एक्स कर देंगे, ओके चलो जाओ जी करें, जहां जी होगा उसमें x की जगह fx रखेंगे, x की जगह fx, देखो यहां रखो यहां कर दे, g में x की जगह fx, 2 x की जगह fx plus 3, और fx का मान आपको पता है कितना है, 2x square minus 1 plus 3, 2x square minus 2 plus 3, 2x square plus 1 आंसर आ गया, ओके आंसर आ गया 2x square plus 1, आंसर ये हो गया, ओके 216 का क्वेश्चन है, देख लो, ओके गाइस ये तो मैंने थ्योरी में करवा दिया आपको, ए स्टार बी देन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार, मैंने बोला ए स्टार पहले ए स्टार बी दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस वन, पहले दो पहले लिखो इसको समझाने के लिए, ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके
जैसे कि गुना के लिए एक होता है, गुना में एक का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे वन को टू सुना तो वन को फाइव सुना तो फाइव को वन सुना तो फाइव होगा, नहीं वन का कोई वैल्यू नहीं है। जीरो प्लस के लिए तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसे ये ऐसी फॉर्मुला होता है, ए स्टार इक्वल टू ई, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। यहाँ पर मैंने इसको याद रखने का तरीका है, तो ए स्टार का फॉर्मुला यहाँ पे एक जगह ए रखना, बी जगह ई रखना, ए प्लस ई प्लस वन बराबर ई, सॉरी ए, ये करना ए क्लास ई प्लस वन बराबर जीरो, तो ई का मान हो गया माइनस वन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ओके ई का वैल्यू हो गया माइनस वन, आंसर हो गया तुम्हारा सी, ओके ई पी वाई क्यू है क्वेश्चन, पी वाई क्यू है, बहुत बार पूछा हुआ है, ओके गाइस आ जाइए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दो कितना पुट पुट भाग हो गए, दो वन स्टार टू स्टार फाइव, ओके वन स्टार टू, पहले वन स्टार टू निकाल देना, पांच निकालना चाहिए, दो पहले ए का वन वन रहना, बी का वन दो रहना, बहुत आसान है, ए का वन वन, बी का वन दो रहना, वन का स्क्वायर दो का स्क्वायर, बस हो गया, स्टार्ट पांच का ऐसा कोई छह जाने का नहीं, ये पांच हो गया स्टार्ट पांच, अब पांच फिर एक जगह पांच रख दो, पांच का स्क्वायर पांच का स्क्वायर हो गया पच्चीस 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 पचास, आंसर हो गया डी, ओके दो अठारह क्वेश्चन है, ओके ए दिया हुआ है, हाउ मेनी बाय डिफरेंशियल तो थ्योरी में आंसर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवा देता है, दो का बड़ा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, दो का स्क्वायर दो का बड़ा चार, सोलह आंसर हो गया, दो एलिमेंट इस लिया, ओके बाइनरी क्वेश्चन पूछा, फोर स्टार फाइव कितना आसान है, रख दो यहाँ पर फोर स्टार फाइव, इससे आसान क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कितना आसान चक्कर है बताओ, बच्चों को मुश्किल लगता है, एक जगह चार रख दो, अब ये फोर बी है, बी की जगह पाँच रख दो, ओके आर माइनस रख दो, हो गया आंसर आ गया फोर बी, तीन जगह बारह पाँच का बीस और माइनस दो तो बत्तीस, बत्तीस बचेगा आंसर, ओके क्वेश्चन चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है गलती मत करना, एक अठारह है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, फिर ये वैसे टाइप का टू इज टू ओ रख दो, थ्री की एक जगह रख दो, पहले क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, टू ओ थ्री और ओ पाँच, ये ओ नहीं है बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूँ मैं, एक जगह टू है थ्री इंटू टू, एक जगह यहाँ पर टू रख रहे हैं, एक जगह थ्री रख देंगे, ओ ओ नहीं है बाइनरी ऑपरेशन, ओके तीन छः तीन नौ, नौ बाइनरी ऑपरेशन पाँच, तो रखो नौ रख दो, एक जगह नौ रख दो, आप पहले पाँच कर दो, नौ पाँच नौ सत्ताईस बत्तीस, बत्तीस दवा है देख लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कट है इसलिए, तो बहुत आसान है, तो ये तो और आसान क्वेश्चन है, पूछा 2009 का क्वेश्चन है, जब तुम पैदा हुए उस टाइम में, जब पैदा नहीं हुआ एक दो साल पहले हुआ होगा, और क्या, ठीक है चलो आ जाओ, तो एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एक्स वाई, रख दो यहाँ पे टू स्टार थ्री, टू स्टार थ्री यानी एक्स दो रख दो, एक्स का दो रख दो यहाँ पे बारह गुने दो और प्लस दो इंटू तीन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़ दो चौबीस चौबीस तीस एक आंसर, हो गया ओके फाइनली खत्म, ओके गाइस तो सबसे पहले आप लोग इतना देर, ठीक है उसके लिए शुक्रिया, ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू, और अगले सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, ओके और अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, लेक्चर देखना चाहते हैं, तो लास्ट में आपको इस चैप्टर का भी मैंने टेस्ट आपको नहीं दिया, टेस्ट आपको अगले लेक्चर चैप्टर में देंगे, जब हम आपको इनवर्स पढ़ाते हैं, तो इनवर्स का और इसका भी बेसिस ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव दो नंबर का शॉर्ट आपका भी आता है, बाकी ऑब्जेक्टिव खाली आता है, जो मैंने आज करवाया चालीस करीब बयालीस क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आज, ओके 42 क्वेश्चन करवाया है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिया आपको, और इसका जो नोट्स है जो अभी मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर नोट्स, ये आपको पीडीएफ फाइल में दे देंगे टेलीग्राम पर जाकर डिलीट करेंगे, ठीक है, उसके अलावा अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो, बहुत सारा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, टॉपिक पढ़ना चाहते हो, वी वीक है, तो आप जाकर यूट्यूब पे जाना, उन्नति ज्ञान का चैनल डालना, ओके उसका वो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, यू कैपिटल यू लिखना, कैपिटल जी लिखना, कैपिटल ये लिखना विदाउट स्पेस के, आप फुल स्टॉप देना जरूरी है, ये लिखोगे डायरेक्टली चैनल पर पहुंच जाओगे, और एक उन्नति एहसान है, ओके एक उन्नति एहसान है आपका, उन्नति एहसान पे भी जाओगे, उन्नति एहसान इस पे भी आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, ये सब पब्लिक नहीं है, ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पब्लिक नहीं है प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, लेक्चर वाले लेक्चर मिल जाएगा आपको जो भी देखना है, ओके सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, सी यू देन बाय, दैट्स ऑल, मिलते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट करिए, जरूर पूछना क्योंकि या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ओके।